يَشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَيسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ أُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يفقه قَوْلِي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله with grace of Allah subhanahu wa ta'ala once again we here another weekend of learning and interacting in order to move forward on the path of guidance and knowledge जो हम पहले दिन से इसके कोर्स के, के इंट्रोडक्शन से uh, एक टर्म यूज कर रहे हैं अक्सर ये समझा जाता है, कि एक है, है इस्लामिक नॉलेज है दीन को पढ़ना है और एक आपके एक्डेमिक एजुकेशन है so Uh, that these are are they uh, they may seem different, but actually they are interlinked. So we've at, uh, we're looking at devices and and effects, effects. deadly and negative अब जाहिर सी बात है कि जो हमारा लाइफ स्टाइल हो गया हमें काफी इस पर फीडबैक भी आई और सवाल भी आ रहे हैं हम स्कूल्स के थ्रू भी देखें यूनिवर्सिटीज के थ्रू भी देखें तो अब एक लाइफ स्टाइल ऐसा बन गया है और इसी तरह के फीडबैक्स और क्वेश्चन आ रहे हैं ए, ठीक है डिवाइस के या गैजेट्स के डेडली इफेक्ट्स की तो आप बात कर रहे हैं लेकिन इससे आप कैसे बचें हम काम पे जाएंगे वहां भी है घर में है, तब भी है शॉपिंग अब तो हो गया वो इधर पाकिस्तान में तो हो गया पता नहीं वो आ, आ, ग्रोसर ऐप और पैंड फूड और किचन ही बंद हो गए जो भी सिस्टम चल रहा है अभी तो गैजेटरी फिर इसी तरह स्कूल्स के अंदर और पैंडेमिक की वजह से Obviously, now the, the way is curving and reshaping. Children are sitting at home and learning again. How are we gonna link? How are we gonna uh, get online and get those resources and get educated? End of the day. So to the point being, like I gave an example last week, Canada can aur humne devices or images. We absorb images all the time. I normally say जो घड़े हैं वो आंखें हमारे जिसम पे जो हम इग्नोर करते रहते हैं बाकी चीजों को तो बचाते हैं पर ये भूल जाते हैं कि ये इतने बड़े जो दो सराख हैं गेट हैं इनका क्या होगा इनको हम संभालते नहीं तो वी अबाउट इमेजेस एंड हाउ वी स्टोर इमेजेस एंड देन वी इवन तो थिंक इन इमेजेस तो इमाम गजाली ने भी इस पर लिखा है कि मैं अक्सर ये एग्जाम्पल बंदों को देता हूँ कि अगर कोई भी अगर आप यहां से अगर चले जाए बाहर कहीं चले जाए तो आपसे कोई पूछे कि आज आप सेशन पे गए थे तो आप बोलेंगे कि हम गए थे तो क्या हुआ वहां पे तो एकदम ये जो मैं खड़ा हूँ ये पिक्चर आपके माइंड में आएगी फिर बायर की पिक्चर आएगी फिर आप स्टेज की पिक्चर आएगी फिर रोड की पिक्चर आएगी फिर आप इन तमाम पिक्चर जो फ्रेम्स आप जोड़ के एकदम स्टोरी बता दोगे सो वी थिंक इन पिक्चर्स वी डिस्क्राइब इन वर्ड्स तो ये बात वहां पे हो रही थी images. and obviously through devices, the maximum number of images are just going through our uh, through our eyes into our hard drives uh, and storing there. So, the now is that it's not about leaving the devices. Our admin team. the obviously, the whole lifestyle is running through devices now. so we are not talking about leaving the devices away, but we are saying avoid their deadly and negative effects. is manfiya sarate? देखे ना कुछ चीजें मिसाल के तौर पर बंदे कह रहे हैं कि हम क्या करें हमें डिवाइस तो इस्तेमाल करनी है मोबाइल फोन है या कंप्यूटर इज so जहां पर हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं जहां पर हम इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल कर वहां तो करें जिस तरह एक एग्जांपल हम उस दिन दे रहे थे दे, दे, दे रहे थे कि अगर आठ घंटे काम पे आप डिवाइस के ऊपर घर आए तो आप रिड्यूस कर लो शॉपिंग जा रहे हो फोन घर चलो माइ सेल्फ मैं जब आप फैमिली के साथ बाहर निकलू या बच्चों के साथ बाहर निकलू या कहीं शॉपिंग जा कॉन्शियस चॉइस एक तो है कि घर वाली रोड जब मैं टर्न होता हूं तो पावर ऑफ कर देता हूं फोन को दूसरा यह है कि घर के अंदर कभी हमें और बच्चों के साथ हैं या घर से बाहर जा रहे हैं तो आ डिब्रेटली लीव द फोन एट होम मतलब मुझको फिर ये नहीं होना चाहिए क्या कि किसी का मैं काम कर दे चुका हूं आठ घंटे तो अब अगर किसी की कॉल या फोन या मैसेज आएगा तो नेचुरली दैट विल बी विद नेक्स्ट डे वो अगले दिन का आप काम है क्योंकि मेरा जो वर्किंग डे आज ये हम स्विचिंग ऑफ नहीं सीख रहे दिस इज क्रिटिकल मैं इसीलिए तो कहता हूं कि सबसे जरूरी चीज है हमारा स्मार्ट होना देखे ना अगर मैं काम से आता हूं घर में और अब मैं फोन को स्विच ऑफ नहीं कर रहा तो मैं स्मार्ट तो नहीं हूं फिर अब मेरा काम बनता है कि जब मैं घर आ गया स्विच इट ऑफ देन आई एम स्मार्ट क्योंकि अब मेरी हेल्थ का भी मसला है मेरे बच्चों के साथ मेरा टाइम है फैमिली टाइम है बाहर जाना है अगर फिजिकल एक्टिविटी का टाइम है तो फिर अब तो ऐसा एक सिस्टम बन गया है कि अगर मेरी फिजिकल एक्टिविटी भी है तो उस एक्टिविटी का तमाम डेटा वो भी मैं डिवाइस पे ही देख रहा हूं यानी कि अगर मैं रनिंग भी कर रहा हूं तो डिवाइस इधर साथ चिपकी हुई आ, कितने कदम हो गए कितने स्टेप्स हो गए सारा कुछ है फिर उसको रख रहा हूँ फिर मैं अपनी दौड़ लगा रहा हूँ फिर देख रहा हूँ मेरी हार्ट बीट क्या है मेरा ब्लड रेट क्या है फिर तो हम फिजिकल एक्टिविटी के अंदर भी डिवाइस को फिर साथ रखा हुआ यू मे हैव योर ओन ओपिनियन बट आई आई डोंट एग्री विद दैट उसकी वजह यह है कि फिर आप डिवाइस से बच कब रहे हो लॉन्ग रनिंग पांच माइल की मैं जा रहा हूं फिर साथ डिवाइस चिपकी अब जाहिर सी बात है

डू इट क्योंकि अगर मैं पूरा दिन किसी किस्म की एक डिवाइस पे हूं और अब मैं फिजिकल एक्टिविटी पीछा कर रही है तो हम इससे जान नहीं छोड़ा पा रहे तो ये जो मेरे हमारे इधर तैयब शाह हैं इनका भी सॉफ्टवेयर हाउस डिवाइस के साथ ये भी इन्वॉल्व है या एप्स डेवेलपमेंट में और डिजाइन भी करते हैं इसी तरह कुछ और आ, आ, इस तरह के दोस्त हैं उनके साथ में उस दिन भी बात कर रहा था कि वे डू यू डू दो दो अब यह भी हमने फैसला करना है कि डिवाइस किसी किस्म की भी any type of device, like I said, computer हो सकता है PC है पीसीवर मोबाइल फोन टैबलेट्स सब तो वॉचेज आ गए स्मार्ट वॉच आई वॉच लुक एक लिहाज से अगर आप सोचें तो नॉट बिंग लिमिटेड कि हम अपने आप को मुक्य कर रहे हैं कैद कर रहे हैं ना मेरी घड़ी मुझे क्या बता रही है मैं कैसा हूं ओह घड़ी ने बता दिया मेरी सेहत खराब है घड़ी ने बता दिया वो पांच हजार कदम लेने थे मैंने तीन हजार तीन सौ नब्बे लिए तो ये एक किस्म की हम अपनी आजादी को बिताक कर रहे हैं तो फिर उन दोस्तों से मेरी ये बात हो रही थी कि आप कहां से फैसला करेंगे कि ये यूज है और ये ओवर यूज है ये ये नॉर्मल है और ये ओवर डिपेंडेंसी है एक तो होता है कि मैं अपने गैजेट से मदद लू उसकी सपोर्ट उसको इस्तेमाल उसको करूं और वो मुझे ये जो गैजेट है ये सपोर्टिंग टूल होना चाहिए ना कि ओवरटेकिंग योर लाइफ टूल प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है वी द मोबाइल फोन और गैजेट्स तो बात सिर्फ ये है कि हमने स्मार्ट यूजर बनना है स्मार्ट डिवाइसेस का तो वो उनसे अक्सर बात होती है कि आप कितना तो मैंने कहा यार आप एवरेज डे दे को देख लो कि हमारा एवरेज डे कितना है उसमें हाउ लॉन्ग स्पेंडिंग ऑन ईच पार्ट इन थ्रू द होल डे इन ट्वेंटी फोर आवर्स यू नो यू रियलाइज एंड सोशल मीडिया अब जिस तरह हम बात करते हैं तो वैसे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मकसद ये था कि जितने भी दूर बंदा हो लाइक यूज टर्म ग्लोबल विलेज एक बंदा मैक्सिको में बैठा है एक अमेरिका में बैठा है में बैठा है, हो सकता है दस बंदे आपस में गप लगा रहे थ्रू एनी वन ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड यू आर आइसोलेटेड मोस्ट इंट्रेक्टिव वर्ल्ड मीडिया प्लेटफॉर्म थे या किसी भी किस्म के रिसोर्स uh, uh, हो, हो गया मकसद इसका क्या था? कि distance, आप किसी बंदे से फिजिकली दूर भी हो तो आप करीब महसूस करो लेकिन इसका अपोजिट इफेक्ट हुआ है कि हम बंदों के करीब होकर दूर हो महसूस कर रहे आप बंदों के साथ भी हैं

तो आप एक दूसरे पांच बंदे एक दूसरे के पास बैठे हो सो पर्पस वाज ब्रिंग द वर्ल्ड क्लोजर बी मोर इंटरेक्टिव सो द डिस्टेंस द फिजिकल डिस्टेंस मोर मैटर बट ऑपोजिट हैज टेकन इट्स टोल हमारा उसका जो नेगेटिव इफेक्ट आ गया आ गया अब हम पास होकर भी लोगों से दूर है एक घर के अंदर हम एक दूसरे को मैसेजेस कर रहे हैं अब देखो एक सिंपल चीज है ये तो हम अवॉइड कर सकते हैं ना अगर हम घर के अंदर हैं तो थोड़ी सी कोशिश कर लो अगर एक तो हम घर भी आजकल इतने बड़े बनाते हैं कि वो घर के अंदर ही आपको गाड़ी पे जाना पड़ता है तो आप दूसरे कमरे में हैं अगर तो इतनी एफर्ट तो बना लें कि उस गैजेट को रख दें कि मदर को ब्रदर को सिस्टर को फादर को पता नहीं आपने देखा या नहीं है कि घर के अंदर मैसेजेस कर रहे होते हैं बंदे एक दूसरे को मिलते नहीं अब तो ये तो आपकी चॉइस है ना कि उस गैजेट को रख दो और भाग के जाओ नीचे मिलो उस बंदे से बात करो ये है ओवर डिपेंडेंसी ये आप ओवर ड्राइव में चलेंगे दिस इज ओवर यूसेज जब बंदे कहते हैं ना कि जी मुझे बताएं ठीक है यू टॉक अबाउट डिवाइसेस एंड डेडली इफेक्ट्स दिस दैट द अदर रिड्यूस टाइम स्क्रीन टाइम सो ऑन सो फॉर लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली करें कैसे वी विल हैव टू मेक कॉन्शियस चॉइसेस एंड डिसीजंस ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अगर आप

आप आप मेरे पास आते हो आप कहते हो ये वाला पेंसिल ले ले तो मैं कहता हूँ इसमें क्या बुराई है क्यों ले लू सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई विद दिस पेन इसकी इंक लीक हो रही है या ये इसका काम नहीं कर रहा या जो भी है इसका लिड सही नहीं है तू स्टेब्लिश करोगे ना वाई वुड आई डू का इफ आई एम यूजिंग दिस पेन एंड एवरी थिंग इज वर्किंग फॉर मी आई एम एबल टू राइट लुक्सेंट आप इन माई पॉकेट वाई शुड आ चेंज है तो जब आप मेरे पास आओगे आप मुझे कहोगे कि ये चीज बदल दो पहले आपको बताना पड़ेगा मसला क्या है इसको तो वही चीज है कि जब हम किसी से कह रहे हैं कि आप डिवाइसेस का यूसेज कम करें तो पहले हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा उसके मिसाइल क्या है और मेरे ख्याल में अभी करंट डे का जो सबसे बड़ा मसला है ये जो हमारी दूरी होती जा रही है कि हम बंदों के पास भी मस्जिद में हम देखते हैं बंदे बैठे हुए जैसा सलाम फेरा निकाला फोन हाँ ठीक है भाई हाँ क्या कर रहे हो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो जब आप जवाब नहीं देगा उसको पता ही चल जाएगा नमाज ही पढ़ रहा होगा कुछ काम ही कर रहा होगा एक बार मैं एक इसी तरह कॉन्फ्रेंस में था तो एक बार कॉल आई दूसरी बार कॉल आई तीसरी बार चौथी पांचवी बार तो मैं उसको बिजी कर रहा हूँ बिजी कर रहा हूँ बिजी कर रहा हूं जब तक मैं बाहर जाके बताया नहीं कि मैं बिजी हूँ उन्होंने माना नहीं कि मैं बिजी हूं मतलब हमारी डिपेंडेंसी का ये हाल हो गया तो ये ओवर डिपेंडेंसी है जो मैंने एग्जाम्पल दी है फ्रॉम हाउस होल्ड घर के अंदर होते हुए आप उसको अवॉइड करो वेज यू कैन इसके बाद हमने ये देखा कि खासतौर पर जो यंग एडल्ट्स और प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल फ्राम अबाउट एटीन नाइन टी लेट लेटीज और अर्ली थर्टीज ये होती है तकरीबन सपोज उन्नीस बीस साल से लेके तकरीबन बत्तीस तैतीस साल तक होते हैं जिनको आप कह सकते हैं यंग प्रोफेशनल्स। तो यंग प्रोफेशनल्स के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा हो गई क्योंकि काम पे भी आ, आप आइसोलेटेड हैं अच्छा मजे की बात यह है कि आप देखें कि आप कितने बंदों के साथ काम करते हैं आप कुछ या आप बैंक्स में काम कर रहे हैं या आप किसी और आ, बड़ी सेल्स ऑफिस में काम कर रहे हैं या इस तरह के किसी स्टैब्लिशमेंट में 200 बंदा भी हो सकता है 100 बंदा हो सकता है 40, 50, 60 तो एवरेज होते हैं तो फिर क्यों बंदा अकेला महसूस करे तो ये इसका मैं अक्सर इसीलिए कहता हूं कि आप कन्फाइंड होंगे मुकैद होंगे आजादी के अंदर बाजार अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई आया वो कहे यार यहाँ तो 200 सौ बंदा है आपस में बातचीत कर रहे हैं सारा सिस्टम चल रहा है बड़े इंटरेक्टिव है सारा कुछ है विद इन दैट तो आप तो बंदे बिल्कुल अपनी डिवाइस के साथ कन्फाइंड होंगे बड़े मजे से ठीक है जी कोई लफड़ा नहीं किसी से कोई हमारा वास्ता नहीं हमारे पास ये डिवाइस है देखिए हमारे पांच हजार दोस्त हैं पर किधरे वो दोस्त

तो जिस तरह अक्सर मैं कहता हूं कि जब आप इवन दिस सेशन ओ ओ व्हेन यू मीटिंग सम फ्रेंड्स वी हैव दिस गैदरिंग्स कोई किसी जगह बैठते हैं तो चार का टाइम है या पांच का टाइम है तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप मतलब पांच का टाइम इंतजार कर लेते हैं तो मैं कहता हूँ ये जो पांच बजे आ गए तो फिर इनका क्या कसूर है देखो ना कि ये ऑनर किया इन्होंने आपकी इनविटेशन को टाइम को भी जहन में रखा हर चीज के मुताबिक आगे अब आप इन्हें इंतजार करवा रहे हैं उनका जिन्होंने आपको कंसीडर नहीं किया तो मैं कहता हूं पांच मैक्सिमम चलो बैड ट्रैफिक के फाइव ओ फाइव पांच पांच के उस दिन हम एक गैदरिंग पे गए यूथ की गैदरिंग थी कॉलेज यूनिवर्सिटीज तो वहां पे हम चले गए तो चार का टाइम था तो हमने थ्री लिखा तो चार बज गए तो जब चार बज के पांच मिनट हुए तो एक उनमें से आया हुआ था आई थिंक तो मैंने कहा आप ही करात कर लो कोई सूरा आती है पढ़ लो सो वी मेक स्टार्ट मेक ए पॉइंट ताकि जो बंदे बाद में आए उनको इस चीज की रियलाइजेशन हो तो ये सेल्फ रेगुलेशन भी हमारे अंदर से चली जा रही है इन डिवाइसेस की वजह से आपको पता ही नहीं चलता टाइम का जब मैंने पहली बार बताया था कि एवरेज टाइम हमारा तो टू डिवाइस है हम में से हर कोई बंदा तो बंदे कहते हैं ये हो ही नहीं सकता ये कैसे है? तो आसानी से है, दो वीडियोस देखे, पांच वो चले गए सर्फिंग की फेसबुक देखा इंस्टाग्राम देखा आजकल वो टिकटॉक है बनाया तो नाइन आवर्स इज नैन आई टोल्ड टाइम वो शॉक हो गए ये कैसे हो सकता है मैंने कहा आराम से हो सकता है बल्कि ये एवरेज टाइम है कुछ तो हमें से फोर्टीन आवर्स है डे डिवाइस पे कुछ तो ट्वेल्व आवर्स है फिफ्टीन आवर्स है मैं एक बंदे को मिला उसने कहा मैं मैं तो अठारह घंटे हो तो आवर्स आप सोचें चौबीस घंटे तो टोटल है हमारे पास तो अच्छा, अच्छा अब इसमें एक, एक ये भी चीज देखी गई है कि सोशल मीडिया पे भी डिपेंड करता है ये दो स्टडी एक स्टडीज इस पे हुई है कि हम कहते हैं सोशल मीडिया पे जाएं तो ये इसमें ये भी पता चला है कि जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, तो उनकी इतनी आइसोलेशन और रिजेक्शन एंजाइटी या डिप्रेशन उनको नहीं बिल्ट हुआ वो बड़े हैप्पी है इसका मतलब ये है कि उनको जो एक्सपीरियंस मिल रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो पॉजिटिव है सो ऑन देम टली और साइकोलॉजिकली वो हैप्पी हैं और कुछ लोग जो जा रहे हैं जिस तरह साइबर बुलिंग भी है और भी चीजें अच्छा वो भी ना हो मुझे एक दो बार कुछ ग्रुप से ऐसे मैसेजेस या वीडियोज या क्लिप्स आए सो डिस्टर्बिंग मतलब मैंने वो मैसेज खोला विद इन सेकेंड मैंने बंद कर दिया अजीब उस पर गर्दने काट रही है और इधर उधर टुकड़े बॉडीज के मतलब इट लाइक वेरी डिस्टर्बिंग तो अगर आप इस तरह के ग्रुप्स में होंगे जहां पे आपको रियलाइज क्योंकि अभी तो हम हर ग्रुप्स को यस 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 दिस ग्रुप दिस ग्रुप उस दिन मुझे एक बंदा मिला तो तो ये, तो कहता मैं मैं मेरा पता नहीं नहीं गिन भी नहीं सकता कितने ग्रुप्स में हूँ तो फिर कितना मुश्किल होगा आपको रियली really, हर ग्रुप हर ग्रुप का पता होगा कि क्या उसमें कॉन्टेंट्स आ रहा है तो फिर जब आपको पता नहीं होगा आप खोल दोगे हो सकता है कितनी वो डिस्टर्बिंग चीज हो तो इस वजह से उनको जब वो एक्सपीरियंस मिलेगा जो नेगेटिव है तो मसलन हो सकता है मैं चार घंटे एक दिन में यूज करता हूं so not, supposed, और एक और बंद और मेरी से ठीक है मैं खुश हूं दूसरा बंदा भी चार ही घंटे इस्तेमाल कर रहा है तो फिर हम ऑटोमेटिकली ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो टाइम की वजह से इसका मतलब ये है कि वट एक्सपीरियंस इज देविंग ऑफ द प्लेटफॉर्म वो किस किस्म की चीजें देख रहे हैं या सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं जो उनको डिस्टर्ब कर रही है क्योंकि टाइम दोनों का एक जैसा ही है जो वो वहाँ पे गुजार रहे हैं और फिर जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसके साथ साथ जब आप अपने उस काम से आ, आ जाते हैं तो उसके अलावा भी हम इवन फिजिकल एस्पेक्ट से मैं देख रहा था कि इवन आजकल हमारा बैठने का जो अंदाज है बैठने का तरीका है एंड इसके लिए आप कभी अपने साथ इस चीज़ को चेक करें कि हम इतना ज्यादा डिवाइसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब हम नहीं इस्तेमाल कर रहे तो हम नॉर्मली भी चेयर में या याचिंग या खास तौर तो पर मैंने देखा है कि वो आ, टेक्स मैसेज जब हम करते हैं, टेक्स हैं तो एक खास हमारा एक बॉडी का पता नहीं आपने कभी रियलाइज किया एक अंदाज बन जाता है ठीक है तो कई बार जब हम डिवाइस पे नहीं भी हैं तो कोई काम कर रहे हैं या हरकत कर रहे हैं तो उसी अंदाज में हम हमारी हरकत हो हमें पता नहीं चल रहा होता तो इस पे भी स्टडीज हुई हैं कि जो अभी हमारा देखें यंग uh, बंदों के अंदर जो नेक बैक डायबिटीज हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं इतनी फ्रीक्वेंसी में पहले नहीं थी खास तौर पे ये बैक पेन और ये जो अपर शोल्डर और जो नेक का मसला आ रहा है मतलब सपोज मिड ट्वेंटीज में होंगे बंदे मैं अक्सर देखता हूँ यंग बंदे ट्वेंटी फोर ईयर ओल्ड ट्वेंटी टू ईर ओल्डी सिक्स ईयर ओल्ड अपनिंग ऑफ बैक पेन या नेक पेन तो यहां तक भी उसमें देखा गया है कि जो सर्टन पॉस्टर्स हैं हमारे जो होल्ड करते हैं हम डिवाइस को आप माने या ना माने मैं किसी बंदे को मिला हूं और वो हैवी यूजर है मोबाइल फोन के तो मसलन जब आ, आप उनसे मिले या कुछ तो इस तरह उनका हाथ है आपको बता रहा हूं तो मैं उनसे कह रहा हूं हाथ सीधा करे उन्होंने कहा सीधा है ये तो ये क्या है क्योंकि आप नेचुरली जब आप आप प्रॉब्लम ये है कि जो फोन हैं इनकी स्क्रीन एवरेज अब फाइव पॉइंट फाइव इंच है बन जाती है है तो ये काफी बड़ी है. अब देखें अगर आप मुझे कहें कि कुछ चीज देखें तो मैं नॉर्मल जब अपने हाथ में किसी चीज को होल्ड करूंगा तो ये ऐसे करूंगा सारे ऐसे ही करते मुझे अच्छा पहले मेरे जहन में आया मैंने कहा आपके हाथ को क्या हुआ तो जब मैंने गौर से देखा तो वो ऐसे है तो अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये डिवाइस की वजह से हो गया ना तो मैं अब शॉक तो इसके फिजिकल जो भी जो है हमारे हमारे लिए एडवर्स इफेक्ट्स बन रहे हैं इसके आ, और पॉस्चर जो है वो मैंने डेफिनेटली देखा है अब खैर जो प्रोफेशनली जो ऑफिस जो हमारे कॉपरेशन है उनके अंदर कल भी हम बात कर रहे थे ये चेयर जो बीस बीस तीस तीस हजार रुपए की एक एक चेयर अब बनती है मिलती है ऑफिस में वो रखते हैं तो उसमें थोड़ा सा जो ये नई चेयर बनाई गई है कि बैक और पॉस्चर के साथ आपके शोल्डर्स को नेक को थोड़ी वो स्टेबिलिटी देंगी बट अगेन वंस अगेन ऑल से विल बी डिपेंडेंट अपॉन के कितनी देर आप किसी डिवाइस पे हैं। और ऑफिस के बाद आप जब अपने बाकी मामला में आ रहे हैं मैंने बताया कि जिम के अंदर भी हमारे पास डिवाइस है घर भी हमारे पास डिवाइस है इवन वेन वी गो आउट रनिंग हमारे पास डिवाइस है वी गोइंग फॉर फुटबॉल वो हमारे पास डिवाइस है तो आप अगर हम जब बात करते हैं कि वी मस्ट है फिजिकल एक्टिविटी द तो होल पॉइंट इज एक बार वो आ, हमने दावत की तो कुछ लोग आए घर में मेहमान थे इसी तरह तो काफी उनमें यंग यंग एडल्ट आ गए तो मैंने उन सब से कहा कि चले ऐसा करते हैं एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सारे जो है वो डिवाइसेस एक साइड पे रख दें तो वो उठे सारे उन्होंने उठा के डिवाइसेस एक साइड पे रख दी फिर आके बैठ गए तो बड़े परेशान से तो मैंने कहा डिवाइसेस एक साइड पे रख दें। तो वी कहा नो। पुट योर डिवाइसेस ऑन ऑन वन साइड वी हैव। हाँ। मैंने कहा अभी तुम में से हर कोई जहनी तौर पे डिवाइस पे ही है अभी आप उन्हीं पे ही हो तो सारे हंसना शुरू हो गए कहते हैं हाँ मेरी परेशानी है मैं सोच रहा था पता नहीं मेरा मैसेज ना आया हो मैं सोच रहा था पता नहीं फेसबुक पे कोई रिक्वेस्ट ना आई हो मैं सोच रहा था पता नहीं व्हाट्सएप की कोई नोटिफिकेशन ना आई हो यही अब हमारा हाल है कि इवन वेन वी मेक इन कॉन्शियस चॉइस एंड एफर्ट टू मूव अवे फ्रॉम फॉर डिजार्पल आप जस्ट गिवेन एग्जाम्पो कि अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज में भी हैं या लाइट माहौल के अंदर कोई खाने की दावत पे जा रहे हैं या किसी दोस्त अच्छा मुझे एक बात लेट सपोज मैं अपने दिन का काम भी कर चुका हूँ डन है कम्प्लीटली प्रोफेशनली हम ओके मैं घर भी पहुंच गया सेफ्टी भी हो गई घर वालों को मेरा पता भी है मैं किधर हूँ वाइफ भी है पी है, सारा कुछ है अब मैं कहीं दावत पे जा रहा हूं तो मैं फोन घर छोड़ सकता हूं या नहीं क्या ख्याल है आपका वो फिर मेरे साथ है देखो अच्छा अब अगर मैं मेरा एक दोस्त है वो हमेशा जस्टिफाई करता है डिवाइसेस को तो अगर आप मैं पूछूंगा यार क्यों नहीं नहीं हो सकता हम रास्ते में जाएं गाड़ी खराब हो जाए हो सकता है हम वहां पहुंचे किसी को इमरजेंसी में हमारी जरूरत पड़ जाए हो सकता है ये हो जाए हो सकता है वो तो फिर इस तो, तो हो ही सकता रहेगा तो फिर तो आप कभी भी नहीं कर सकोगे जब दिन का काम भी कर लिए और सेकेंड हमें था कि मेरे पास डिवाइस हो क्योंकि मैं रस्ते हूं मैं ताकि घर वालों को खबर रहे कि मैं आ रहा हूं अच्छा आप घर भी पहुंच गए आप घर वालों से मिल भी लिया है बच्चे भी साथ हैं आप इकट्ठे कहीं जा रहे तो आप तो मैं उसको घर छोड़ सकते हो ना फोन सकता मैं तो छोड़ देता हूँ उससे कुछ भी नहीं होता वरी एवरीथिंग बी फाइन उसको छोड़ के आप चले जाए एक्टिविटी आपका लाइट माहौल होगा और वो घंटे दो घंटे तीन घंटे आपका एक्सक्यूज बन जाएगा कि आप उससे वे वो आपके लिए डिटॉक्स का भी इफेक्ट रखेगा जिस तरह रमजान के अंदर जब हम रोजे रखते हैं तो क्यों अच्छा फील करते हैं तो वो जो कुछ हम जुलम करते रहते हैं अपनी बॉडी के साथ हर किस्म के गलत टाइम पे लेट खाना डाइट अपनी अच्छी ना रखना उससे हमारी बॉडी को वो डिटॉक्सअब हो रही है और हेल्थी हो रही है रहे तो हम भूखे रहे लेकिन हम सेहतमंद हो रहे इसी तरह ट्रस्ट मी दिस इज हाउ दिस डिज आर इनके फिजिक और हर स्टडी में मैंने इतनी स्टडीज देखी हैं इस सब में साफ बच्चों को तो कैंसर तक बताया गया अगर डिवाइस के अलावा मैं कोई चीज आपसे कहूँगा आपका बच्चा फलां फला काम करेगा तो उसको कैंसर हो सकता है आप उसे जाने भी ना दो अगर मैं आपसे कहूं कि फलां ग्राउंड में अगर ये जाके खेलेगा तो इसको कैंसर होने के चांसेस हैं। टेल मी द ट्रूथ आप जाने दोगे उस बच्चे को कोई जाने देगा तो यार वो कह रहे हैं ना कि फोन के ओवर यूसेज से कैंसर हो सकता है तो फिर आप उसको क्यों नहीं उस पर हमें कोई ध्यान नहीं ये उतना ही डेडली है ना कि अगर ग्राउंड में जाएगा तो कैंसर हो जाएगा या चौदह चौदह घंटे फोन यूज करेगा तो कैंसर हो जाएगा तो दोनों एक ही इफेक्ट रख रहे हैं तो वहां के लिए तो हम केयरफुल हो रहे हैं और वी ना साइंग एनीथिंग वी ना हेल्पिंग देम टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम सो वी नीड टू बी अवेयर और ये जो कॉम्बिनेशन है हमारा कि जब हम डिवाइस जब हम उस सिचुएशन में नहीं है वेर वी कॉन्ट अवॉइड द डिवाइसेस वी मस्ट ट्राई टू बी अवे फ्रॉम द डिवाइसेस जिस तरह के मैं एक स्टडी पढ़ रहा था कि ये इसमें बाजार नजर नहीं आती लेकिन ये कम्बिनेशन होता है ब्लू लाइट ब्लू लाइट ऑफ दी एल सी डी ये कई बार खराब हो जाए ना आपकी स्क्रीन तो वो पूरी तरह से लाइट पीछे आप देखेंगे हल्का सा ब्लू एक शेड आता है तो ये जो ब्लू लाइट है इसका और ये स्केरी थी मेरे लिए ये फाइंडिंग इसका डायरेक्ट लिंक है जो ब्रेन को स्टिमुलेट करता रहता है वो लाइट मिसाल के तौर पे अब रात दस ग्यारह बज गए आपने सोना है पर आप फोन पे तो आप कभी भी अब बहुत ज्यादा बंदे कंप्लेनिंग अबाउट लैक ऑफ स्लीपिंग टू वी गेटिंग स्लीपिंग टैबलेट्स सोने की गोलियां हम ले रहे बिल्कुल यंग बंदे क्यों नहीं नींद आ रही तो वो मैं स्टडी कर रहा था इस ब्लू लाइट का ब्रेन को स्टिमुलेट कर रही है ठीक है आप इसको इस्तेमाल कर रहे अच्छा मैं रख दू मैं सो जाऊं आप सोगे कैसे वो तो स्टिम्यूलेट हो चुका है ब्रेन अब वो सोने नहीं देगा और इसका एक और इफेक्ट जो मैंने काफी लोगों के अंदर देखा है कि आप किसी बंदे से बात करने यार बात हो जी इस तरह वो जिस तरह किसी और दुनिया में और आपने बुलाया तो उसका भी इससे डायरेक्ट लिंक है कि नेक्स्ट डे एक तो आपको ये सोने नहीं देगी क्योंकि उसका ब्लू लाइट का इफेक्ट आपके ब्रेन के साथ स्टिमुलेट कर रहा है और डायरेक्ट लिंक है तो वो मसला आ गया आपकी स्लीपिंग का दो बजे जाके कहीं नींद आएगी फिर आपने जब उठना है नेक्स्ट डे इवन इफ वर्किंग और फॉर तो आप स्ट्रगल करोगे क्योंकि आपकी बॉडी को वो स्लीप मिली नहीं अच्छा अब जब जाग गए हो आप अलर्ट नहीं हो अगले दिन एक तो लैक ऑफ स्लीप हुआ है ठीक है और मैं भी यहीं तक समझता था लेकिन वो जो ब्लू लाइट ब्रेन को उसने स्टिमुलेट किया उसका अभी भी इफेक्ट है अब आप जाग रहे हो उधर उसने सोने नहीं दिया और आप जब आप जाग रहे हो तो आप फुली अलर्ट नहीं हो और कितने एक्सीडेंट्स रोड पे ऐसे होते हैं जब उनके आप इन्वेस्टिगेशन करें कोई चीज भी दूसरी तरफ से नहीं आ रही कोई ट्रक भी नहीं आया किसी ने गलत टर्न भी नहीं लिया तो आपने क्यों ले लिया तो आप इन टाइम आपने रिएक्ट नहीं किया आप अलर्ट नहीं थे वैसे देखने में जाहिर आता है, मैं जाग रहा हूं मैंने लबास पहना मैं गाड़ी में दाखिल हुआ मैं चला रहा हूं म्यूजिक बाज रहा है सारा मैं अलर्ट हूं लेकिन अलर्टनेस के भी लेवल्स हैं मैं कितना अलर्ट हूं कि अगर कोई सिचुएशन आती है तो मैं रिएक्ट कर सकता हूं या नहीं तो उसका भी डायरेक्ट लिंक इससे कितना खतरनाक चीज है कि आप है, आप अवेक एक्टिव लेकिन आप फुली अलर्ट नहीं है तो अगर कोई सर्टन सिचुएशन गई तो आप रिएक्ट नहीं कर सकोगे और मैंने अक्सर दोस्तों से कहा कि वन आवर बिफोर यू गो टू बेड लीव योर डिवाइस उसको छोड़ दो ताकि एक घंटा अब वो ब्रेन बिल्कुल अपने उस नॉर्मल जो उसका पैटर्न है नींद की तरह क्लोज़र होता है ना आपका सिस्टम बंद होता है तो वो जिस तरह आप लेट खा लो अगर खाना तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव है और उधर से आप सोना चाह रहे हो तो ये दोनों चीजें क्लैश करेंगी इसी तरह से अगर आप डिवाइस को इस्तेमाल कर रहे हो बल्कि उसके साथ ही आजकल तो हम सो जाते हैं कई बार मुंह पे पड़ा होता है फोन और हम सो रहे ठीक है थीके? तो चेस्ट पे तो अक्सर पड़ा होता है तो अब जब इतना लेट आप उसको इस्तेमाल करोगे तो फिर आप सो तो सकते नहीं और अक्सर लोग आजकल आपके दोस्तों में भी इन योर फैमिलीज पीपल मस्ट बी कंप्लेनिंग अबाउटLack of sleep or struggling to sleep not even lack of sleep they want to sleep but they can't sleep so we know that and then the adverse effect that you're not alert आप अच्छा हो सकता है आप काम ऐसा कर रहे हो मशीनरी पे काम कर रहे हो ब्लेड्स के साथ काम कर रहे हो अब हो सकता है मैकेनिक हो गाड़ी को आपने ऊपर किया वो गिर सकती है यू नीड टू बी फुलर अलर्ट यूर नॉट एंड दैट्स अगेन और मैंने तो यहाँ पे स्पेशली इन पाकिस्तान जब हम ट्रैवल करते हैं अमेरिका भी इंग्लैंड भी इधर भी इधर मैंने देखा है कि फुल टाइम फोन साथ है और ड्राइविंग हो रही मतलब ये भी एक मास्टर क्लास है ये क्या कैसी को स्किल है इधर से इधर फोन है फिर फोन, है। फोन साथ इस्तेमाल के तौर पर आप नहीं वापस देखा इतना ही टाइम लगता है तो कितने एक्सीडेंट आप देख लें इज ड्यू टू ओवर यूसेज अगेन दिस इज ओ पुल आप ऑन द साइड और फिर आप इस्तेमाल करें तो ये सारा इज नॉट अबाउट डिचिंग द डिज थ्रोइंग द डिज लिविंग द डिज नॉट यूजिंग द डिज ये जितनी भी हम एफर्ट कर रहे हैं बच्चों के हवाले से प्रोफेशनल के हमें मैसेज आए उस हवाले से कि हम अगटे मिल के इंटरेक्टिवली रियल इंटरेक्शन वो फोन वाली नहीं और ये डिसाइड करें हमने अपनी जिंदगी को दोबारा कैसे री करना है क्योंकि रैनसम पे हमारी लाइफ चली गई है टू डिवाइस ये बनाई थी हमने हमें ज्यादा इफेक्टिव प्रोएक्टिव हेल्थी बनाने के लिए स्मार्ट लेकिन इन्होंने तो हमारा आशर कर दिया तो अब ये सारी चीजें हमने दोबारा इनसे छीननी है ये इसके बारे में अवेयरनेस कि दोबारा हमने उस लेवल पे जाना है उस तरह का बनना है कि जिस मकसद के लिए इनको बनाया था कि हम ज्यादा बेहतरी से चल सके तो हम तो वो इनके पीछे दुम बना के चल पड़े तो इस अबाउट अवेयरनेस इज नॉट अबाउट जिस तरह वो एक फादर मेरे पास आगे बच्चे हमारे खिलाफ हो जाएंगे आप क्या कर रहे तो मैंने कहा ना घबरा बच्चे नहीं आपके खिलाफ होते

ये दौर जो है वो तो केतर्जी का दौर है अब जब आप बार-बार एक बार चीज की दावराते हैं देश्टे 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 के तो कैसे कैंसिल कर सकते हैं कोई वाइज वो कम अब उधर से हमें आगे भी पढ़ना है, तो है। कि क्या दबाव में हम उनका मुकाबला करते हैं क्योंकि आप बार-बार जो बार वो नाम है डिजिटल प्रवा के अवधि में सीखने करते हैं नहीं नहीं करना हालांकि

माशा बहुत खूबसूरत सवाल ये एक सवाल आया है कि अगर हम डिवाइस नहीं इस्तेमाल करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे ठीक है तो अगर हम अपने असलाफ की हिस्ट्री को देखें तो उन्होंने कौन सी डिवाइसिस इस्तेमाल की थी ठीक है ठीक ठीक हो गया अब मुझे ये बताएं कि तरक्की का मैार डिवाइस ही खाली क्यों है अभी ठीक है तो हम ये कह रहे हैं कि मैंने स्लाइड्स बनाई इस्तेमाल की और हम खुद दे दे रहे हैं तो दे रहे हैं हैं जो हमारे आप 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 हमें ठीक है के तो अब अब थी, तो नहीं पढ़ना है 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 मतलब स्लाइड भी इस्तेमाल पढ़ना पढ़ना जिन्होंने बनानी तो 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 वो भी है। पढ़ना है, तो वो पांच पांच पढ़े देखें अभी भी हमने यही डिस्कस किया कि लेट्स सपोज वी वी डन दिस सेशन दिस वाज अबाउट 35 मिनट्स 40 मिनट्स ठीक हो गया अब ये सेशन है इसको प्रिपेयर भी किया गया स्लाइड्स को भी सामने रखा गया लेक्चर भी हो गया अब जब मैं यहां से हटता हूं उस टाइम को मैं कैसे इस्तेमाल करता हूं तो हमने पहले भी ये बात की और दूसरी चीज आपने बड़ा खूबसूरत पॉइंट बीच में दिया कि अगर हम डिवाइस को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम उनसे पीछे रह जाएंगे अगर आप रसूल अल्लाह सल्हे वसलम की सीरा को भी पढ़े इस ऑल अबाउट अबाउटीजन बात यह है कि मैंने इस चीज पे काम करना है कि पांच घंटे के यूसेज को मैं तीन घंटे के यूसेज के अंदर अगर लेके आऊं और मैं कितना स्मार्टली वर्क करूं कि जो मैंने डिलीवरी पांच में करनी थी मैं उतना ही स्मार्ट हो कि डिवाइसेज को तीन घंटे इस्तेमाल करके इसके अंदर ले आऊं तो फिर आप उनसे ज्यादा प्रोग्रेसिव होंगे कि जो बंदा पांच घंटे इस्तेमाल करके वहां तक पहुंच रहा है आप अपने आप को अप्लाई करके तीन घंटे इस्तेमाल करके कर रहे हैं और अगर आप कहें कि ऐसा पॉसिबल नहीं है जस्ट वन सेकेंड पांच घंटे का काम पांच में होगा तो फिर मैं आपसे कहूंगा ओके यूज दोन डे जब आप उस पांच घंटे से हटे हो जिस तरह आगे मैंने एग्जांपल दी कि हम अगर फुटबॉल खेलने भी जा रहे हैं तो हम अपनी डिवाइस से ही पूछ रहे हैं कि कैसा खेल रहे अगर हम दौड़ने भी जा रहे हैं तो हम अपनी डिवाइस से ही पूछ रहे कि हम कैसा दौड़ने जा रहे हैं Let's suppose अगर कोई रनर है अमेरिका में तो वो रनिंग करता है और डिवाइस से पूछता है अपना हार्ट रेट और सब कुछ आप पाकिस्तान के रनर हो आप भी उतनी मेहनत कर रहे हो तो डिवाइस से पूछे बगैर भी आप उससे ज्यादा तेज भाग सकते हो ये मेरे ख्याल में इट्स नॉट अबाउट वर्किंग हार्ड इट्स वर्किंग स्मार्ट आप कह रहे हैं कि मैंने अगर उनसे आगे बढ़ना है तो मुझे 18 घंटे काम करना पड़ेगा तो सिर्फ काम के आवर्स को बढ़ाना ही उनसे आगे निकलने की बुनियाद है बस और कोई तरीका नहीं है ये फिर आपने सोच लिया ना कि उनसे अगर मुझे आगे निकलना है तो मुझे डिवाइसेस का यूसेज बढ़ाना है ये फिर आ, ये वो फिर डिपेंडेंसी आ गई क्योंकि आप डिपेंड कर रहे हो डिवाइस पे कि मैं इसी पे डिपेंड कर रहा हूं मैं इसी से ही चलूंगा तो फिर मैं उनसे आगे बढ़ सकूंगा तो मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रोफेशनली आपने टाइम इस्तेमाल करना है वो जरूर करें अच्छा वो जो रूल ऑफ ट्वेंटी आ, रूल ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी ट्वेंटी।, ये ट्वेंटी ट्वेंटी का क्रिकेट मैच नहीं है अब वो क्या है जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ है उन्होंने रूल ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी जब आप ट्वेंटी मिनट स्क्रीन पे काम कर रहे हैं फिर आप 20 सेकंड्स के लिए स्क्रीन से हट जाएं और 20 सेकंड्स के लिए अपने फासले को बढ़ाकर किसी तरफ देखें। so, 20, 20, 20. 20 काम किया, ट्वेंटी सेकंड्स आपने स्क्रीन से दूर देखा और 20 सेकंड्स के लिए किसी ज्यादा डिस्टेंस वाली चीज को देखा तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप काम पे भी आठ घंटे जिस दिन उस दिन भी मैं बात कर रहा था तो आप अपनी रेगुलर ब्रेक्स ले रहे हैं या नहीं अब आपको मैं टिपिकल वर्किंग डे बताता हूँ आप कहते हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं कोऑपरेट इंडस्ट्री के अंदर मैंने जो काम किया है मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डे है मंडे मोर देन हाफ डे कोई भी काम नहीं करता बिकॉज यू गो हैं फ्रॉम द वीकेंड जो भी आपकी एक्टिविटीज है ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे आप काम कर रहे हो फ्राइडे डिस्कशन हो रही है वीकेंड पे क्या करना है मोस्ट ऑफ आर वर्किंग थ्री डेज इन अ वीक फुल टाइम भले वो गैजेट्स पे है भले वो नहीं है तो जैसा आपने चार दिन काम कर लिया आप तुमसे वैसे ही आगे बढ़ जाओगे बात यह है कि वो चार दिन भी आप हाजिर हो वो चार दिन भी आप मौजूद हो पाकिस्तान में तो मैंने बंदे देखा सात दिन काम कर रहे हैं तो फिर मसला क्या पीछे रहने का तो प्रॉब्लम लाइज एल्स ना इन द गैज जी एक चीज जरूरी है ना कि अब जब भी मैंने जवानों के आगे ये बात रखी नहीं। नहीं वस हम तो नॉर्मल हैं हम ओवर यूज कर ही नहीं रहे तो ये हमने उनके साथ काम करना है जिस तरह मैंने डिफाइन किया कि कैसे ओवर यूज को कम करना है क्योंकि ये इतना ज्यादा हमारी जिंदगियों के अंदर घुस गए कि अब हमें पता ही नहीं कि बॉर्डर लाइन किधर है ओवर यूज किधर है अंडर यूज किधर है किस तरफ जाना है किस तरफ आना है वंस अगेन अगेन

ठीक है जैसे कोई को अपडेट को अपडेट को शिवाय है वो सबसे सबसे कौन सी चेंजिंग का होता है चलो भाई रहने देते हैं तो क्या रहता है क्या है मेरे 5 फ्रेंड्स का Facebook पे फ्रेंड्स है इसका बताओ भी करेंगे आप आपके फ्रेंड की टोटल चार्ज है आपके वो 5000 का खर्च है और उनमें से पांच फ्रेंड भी नहीं है आपके पास एक जो भी तूने लिया WhatsApp है Facebook है या जो गेम्स के अंदर आपने फ्रेंड है हम कहते हैं ये फोर्थ ये तो आपने हंड्रेड परसेंट बात की है दोस्त बता रहे हैं कि ये जो आ, फ्रेंड्स ऑन फेसबुक एंड द रियल फ्रेंड्स ये तो मैं हमेशा कहता हूँ मूव अवे फ्रॉम फेस टाइम एंड इन टू रियल टाइम आप देखें जी इनका ऑपरेशन था अब उन्होंने फेसबुक पे जो डाला है फेसबुक पे जो डाला है तो फेसबुक से उनको फेसबुक वाली ही तीमारदारी मिलेगी ना क्योंकि उन्होंने फेसबुक पे डाला रियल बुक पे तो डाला ही नहीं रियल बुक पे डालेंगे तो रियल तीमारदार आएंगे ना तो इन शाह देखेंगे इस चीज़ को भी जवानों के हवाले से भी रिकॉर्डिंग भी इनशाला अवेलेबल है अब मैं दाव दूंगा मुफ्ती शाहबान साहब को कि वो फिक के हवाले से लेके सिलसिले को तो लेके आगे तो चले बसमिल्लमअ सैन वादिन पिछले लेक्चर से तीन लेक्चर से गालबन हम जक़ात के हवाले से बात कर रहे थे और पिछले लेक्चर में हमने इस चीज़ को बयान किया था के ज़क़त की बुनियादी तौर पर तीन अकसाम है एक वो जक़ात होती है कि जो हमारे माल पर लाजिम होती है उसको सिंपल ज़क़़त कहते हैं एक वो ज़क़त होती है कि जो ज़मीन पर लाजिम होती है उसको उशर कहते हैं जिसके जिसके अहकाम आपने पिछले लेक्चर के अंदर समात फरमाए थे और एक वो ज़क़़त होती है जो इंसानी जान पे लाजिम होती है उसको सदका फितर कहते हैं इस तरह अगर हम समझे तो गोया के ज़कात के तीन अकसाम बनती है जो माल पर लाजिम होगी उसको ज़कात कहते हैं जो हम अढ़ाई फीसद अपने माल से निकालते हैं जो जमीन के ऊपर लाजिम होती है उसको उशर कहते हैं और वो जो दसवां हिस्सा होता है या दसवें हिस्से का नस्फ होता है वो हम जमीन की पैदावार जब आती है तो उससे उसको अदा करते हैं और जो इंसानी जान के ऊपर लाजिम होती है वो साल में एक दफ़ा लाजिम होती है और ये सदक फ़ितर की सूरत में हम पर लाजिम होती है आज के इस लेक्चर के अंदर इन शदक फर के हवाले से भी और क्योंकि ईद आ रही है तो नमाज ईद के हवाले से भी चंद मसाइल जो हैं वो उसको बयान करेंगे सबसे पहले सदक फ़ितर के हवाले से कि सदक फ़ितर की तारीफ क्या है सदक फ़ितर किस कहते हैं बाद रमजान यानी रमज़ान के बाद नमाज ईद की अदायगी से कबल दिया जाने वाला सदका वाजिबा सदका फितर कहलाता है रमजान गुजरने के बाद जो ईद आती है जिसको फितर कहते हैं उसकी नमाज की अदायगी से पहले जो वाजिब सदका हमारे ऊपर लाजिम होता है उसको सदका फितर कहते हैं ये इसकी एक तारीफ है अब यहाँ पर अगला मसला ये आता है कि सदका फितर किस पर वाजिब है इस मसले के हवाले से हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, हती के हमारे गाँव में लोग ये भी कहते थे कि एक शख्स जो सदका फितर ले रहा है उस पर भी लाजिम है कि वो आगे सद का फितर दे और लोगों के यहाँ ये तस्वुर था कि शायद सद का फितर हर इंसान पर जो है हर मुसलमान पर लाजिम है जबकि ऐसा नहीं है जैसे कि जकवात के अंदर कुछ शराइत हैं जकवात के वाजिब होने की इसी तरह सदक फितर के अंदर भी कुछ शरात हैं जब वो पाई जाएंगी तब सदका फितर वाजिब होगा अब सदका फितर किस पर वाजिब होता है हर उस आज़ाद मुसलमान पर वाजिब है जो मालिक के निसाब हो और उसका निसाब हाजत असलिया से फार हो यहाँ पर इसकी थोड़ी सी वजाहत है पहली वजाहत ये है कि वो जो शर्तें हैं यानी मुसलमान होना आजाद होना वो सारी शराय तो वही मौजूद है लेकिन इसके अंदर जो निसाब है उसके अंदर फ़र्क करना ये बहुत ही हसास मामला है और बड़े बड़े जो उलमा को हमने देखा है कि वो इस मामले के अंदर आकर थोड़ा सा फंस जाते हैं और वो जक़ात और सद फित्र का जो निसाब है उसके अंदर वो डिफ्रेंसीेशन को सही तरह जो है वो क्लियर नहीं कर पाते तो सबसे पहले जक़त के हवाले से ये समझ लें जक़ात का जब हम निसाब बनाएंगे तो उसके अंदर जो माल होता है उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है आपने भी पिछले लेक्चर में सुना होगा उसको कहते हैं माल नामी कि जब माल नामी मौजूद हो और वो साढ़े बावन तोले चांदी की कीमत तक पहुंच जाए और उस पर फिर पूरा साल गुजर जाए और वो माल जो है वो आपकी जरूरियात से अलग हो उस पर जो है वो जक़ात फर्ज होती है ये माल नामी अब क्या होता है नामी कहते हैं बढ़ने वाला जो आगे बढ़ता है उसको माले नामी कहते हैं और इसका शुमार होता है सोने पर चांदी पर आपकी मौजूदा करंसी पर आपका जो तिजारत का माल है इस पर जो है यानी कि आपके पास जो सोना चांदी है जो करंसी है और जो आपके पास तिजारत का माल है ये चारों चीजें मिलकर और ये चारों चीजें आपकी जरूरियात से अलग और ये मिलकर अगर साढ़े बावन तोले चांदी की कीमत तक पहुंच जाती है और फिर उस पर पूरा साल गुजर जाता है तो फिर आप पर जो है वो जक़ात देना फर्ज होता है जबकि सदका फितर में जब हम निसाब बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले ये चार चीजें भी देखेंगे कि उसमें सोना चांदी आपकी करंसी आपका जो तिजारत का माल है वो भी और उसके बाद एक पांचवी चीज है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों पर भी सदका फितर जो है वो वाजिब होता है वो पांचवी चीज है कि उनके पास जो इजाफी सामान है इजाफी सामान के अंदर हर चीज को देखा जाएगा हर चीज की मालियत को नोट किया जाएगा मिसाल के तौर पर जैसे कि घर में दो बंदे हैं चार पाइया दो जरूरत है लेकिन उनके पास अगर चार चार पाइया तो जो दो इजाफी चारपाइयाँ हैं उनकी कीमत भी काउंट की जाएगी बिस्तर उनको दो जरूरत है लेकिन उनके पास चार बिस्तर है तो दो इजाफी बिस्तर जो है उनकी भी मालियत काउंट की जाएगी जो इजाफी बर्तन है जो इजाफी कपड़े हैं या इस तरह की जो भी इजाफी चीजें हैं उन सब की मालियत नोट की जाएगी और साथ में करंसी और सोना चांदी और माल तिजारत ये सब मिलाकर अगर साढ़े बावन तोले चांदी की मालियत तक पहुंच जाता है जो कि इन दिनों यानी 2021 में पाकिस्तान के अंदर तकरीबन साठ हजार के राउंड अबाउट है अगर इतनी मालियत तक पहुंच जाता है तो उस पर जो है वो सदका फितर अदा करना फितर की सुबह को वाजिब होगा और इसके अंदर साल गुजरने की भी शर्त नहीं है बल्कि ईदुलफित्र के सुबह जो तलु फज्र है उसके वक्त अगर उनके पास इतना माल मौजूद है तो उस पर जो है वो अपनी तरफ से भी और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से भी सदका फितर देना वाजिब है तो निसाब की समझ आ गई आप सबको कि इसका निसाब जब बनाएंगे तो बस जकवात के साथ ये भी शामिल कर लें कि जो आपके घर का इजाफी सामान है इजाफी कपड़े हैं इजाफी बिस्तर है इजाफी चारपाइया हैं, उन सब चीजों की भी मालियत इसके अंदर काउंट की जाएगी अब ये अगला सवाल कि मालिक जो निसाब है जिस पर सदका फितर वाजिब है वो किस, -किस की तरफ से सदका फितर अदा करेगा जो मालिक निसाब है यानी जिस शख्स पर सदका फितर वाजिब है वो अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से सद का फितर अदा करेगा यानी उस पर जो वाजिब है वो वाजिब ये है कि वो अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से सद का फितर अदा करे और इसमें क्योंकि हमारे उर्फ में ये होता है कि बीवी की तरफ से भी और बालिग औलाद औलाद की तरफ से भी अदा कर दिया जाता है तो बेशक इस तरह अदा हो जाएगा और ये गोया कि उनका यानी वाल का एक है कि अगर वो अपनी बीवी का भी और अपनी बाल औलाद का भी अदा करता है अदरवाइज अगर वो नहीं भी करता तो उस पर उसकी बात पुरुष नहीं होगी क्योंकि उस पर जो लाजिम है वो अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से अदा करना है और इस पर अगर बाप फॉर एग्जाम्पल के वो फौत हो जाता है तो उस सूरत में फिर माँ पर सद का फितर अदा करना वाजिब नहीं होगा बल्कि जो बच्चों का दादा है उस पर जो है वो लाजिम होगा कि वो अपने यतीम पोते और पोतीयों की तरफ से सद का फितर अदा करें और अगर वो यतीम पोते और पोती जो है वो मालदार हैं यानी उनके नाम पर जमीन या जायदाद या कुछ भी है तो फिर वो उन्हीं के माल में से जो है वो अदा कर सकते हैं सदका फितर के वजूब का वक्त कौन सा है यानी किस वक्त सद का फितर हमारे ऊपर वाजिब होता है ईद के दिन सुबह शादी टुलू होते ही सद का फितर वाजिब हो जाता है यानी जो वाजिब होने का वक्त है वो ईद के दिन सुबह सादिक जब तलू होता है तो उस वक्त सदका फितर वाजिब होता है लेकिन बेहतर यह है कि हजू नबी करीम सलातम ने भी ईद की नमाज़ के लिए जाने से पहले पहले का फरमाया और बेहतर यह है कि मुबारक के अंदर ही सदका फितर अदा कर दिया जाए ताकि जो गुरबा और मसाकिन हैं वो भी ईद के हवाले से अपनी शॉपिंग वगैरह कर लें और वो भी ईद की खुशियों में हमारे साथ जो है वो शरीक हो सके तो लिहाजा बेहतर ये है कि रमजान मुबारक के अंदर जो है वो इसको अदा कर देना चाहिए और इसके अंदर एक और मसला भी पूछा जाता है कि अगर कोई उससे भी पहले अदा कर दे यानी अगर कोई रमजान से भी पहले सद फितर अदा कर देता है तो फिर भी उसका सद फितर अदा ही होगा उसका जो सदका फितर अदा हो जाएगा और उसमें कोई हरज नहीं है क्या सदका फितर में भी नियत करना और मुसलमान फकीर को माल का मालिक बताना जरूरी है यानी जैसे जकवात के मसले में आपने पढ़ा था कि उसमें कि जब आपने जकवात अदा करनी है तो आपकी नियत होना जरूरी है कि आप जक़त का माल अदा कर रहे हैं और दूसरी चीज यह है कि आपने जिसको जकवात का पैसा देना है उसको आपने मालिक बनाना है उसको पोजेशन देनी है हर हाल में तो क्या सदका फितर के अंदर भी यह चीज़ लाजिम है तो बिल्कुल सदका फितर के अंदर भी यह चीज़ लाजिम है कि सबसे पहले जब आपने किसी को देना है तो आपने नीयत जरूर करनी है लफ्जों से आप बिल, बिल्कुल ना कहें बेशक ना कहें क्योंकि आप उनकी इज्जत नफ्स को ताकि वो मजरूह ना हो आप उनको कह दें कि ये गिफ्ट है या तोहफा है लेकिन आपके जो दिल में नीयत हो वो यही हो कि आप सद का फितर अदा कर रहे हैं और आप जिसको दें आप उसको मालिक बनाएं ये, ये नहीं हो सकता इस दौर के अंदर मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास मसाइल आते रहते हैं वो कहते हैं कि हम सदका फितर लेते हैं जकवात लेते हैं और फिर लोगों को उसमें से कर्ज देते हैं तो इस तरह सदका फितर अदा नहीं होगा सदका फितर तब भी अदा होगा जब आप किसी फ़कीर शराइ को उसकी पोजेसन देंगे उसकी मिल्कियत देंगे जब वो मालिक बन जाएगा तभी अदा होगा अदरवाइज ये कर्ज देना या मुख्तलिफ किस्म के जो चैरिटी प्रोग्राम में हुए लोगों ने मुख्तलि आइडियाज लेकर आते हैं कि आप ये कर लें आप वो कर लें तो याद रखें जब तक आप उनको मालिक नहीं बनाएंगे तब तक जो है वो आपका सद फितर या जकवात अदा नहीं होगी फिर हमारे यहां एक और बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये कई सालों से हम भी सुनते आ रहे थे बचपन से कि ईद के दिन अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप पर लाजिम है कि आप उसकी तरफ से सद फितर अदा करें जबकि बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है हालांकि उस पर तो अपनी बाल औलाद और अपने जो बीवी है उसकी तरफ से भी सद फितर अदा करना लाजिम नहीं है तो ये कैसे हो सकता है कि एक मेहमान कोई आ रहा है तो मेज़बान पर उसका भी सद फितर अदा करना लाजिम हो लिहाजा ये एक मिसकनसेप्शन है जो हमारे उर्फ के अंदर पाई जाती है कि मेहमान की तरफ से भी सद फितर अदा करना होगा बल्कि मेहमान अगर खुद साहिब है, तो वो अपनी तरफ से खुद अदा करेगा मेज़बान पर जो है उसकी तरफ से अदा करना बिल्कुल भी लाजिम नहीं है फिर एक और चीज अगर हम कहते हैं किसी को कि सद फितर अदा करें तो आगे से कहते हैं कि हमने तो रोजे ही नहीं रखे तो हम क्यों अदा करें यानी वो कहते हैं उर्दू में कि एक चोरी ऊपर से सीना जोरी एक रोजे नहीं रखे ऊपर से सदका फितर का इनकार इस वजह से करते हैं कि क्योंकि हमने रोजे ही नहीं रखे तो हम सदका फितर क्यों दें भाई रोजा अलग इबादत है रोजा फर्ज है लेकिन अगर वो किसी ने मिसाल के तौर पर किसी उजर की वजह से नहीं रखे मिसाल के तौर पर कोई सफर में है या बीमार है या कोई भी ऐसा उजर हो सकता है जो शरीयत में जिसको उजर माना गया है या बगैर उजर के नौज बिल्ला किसी ने नहीं रखे रोजे वैसे ही सुस्ती की वजह से नहीं रखे तो उसका ताल्लुक सदका फितर के साथ नहीं है सदका फितर अलग वाजिब है और रमजानुल मुबारक के रोजे उनकी फर्जियत अलग है लिहाजा अगर कोई रोजा नहीं भी रखता तो सदका फितर की जो अदायगी है वो उस पर बहर हाल जो है वो वाजिब ही है और उस पर उस वक्त तक साकित नहीं होगी जब तक वो उसको अदा नहीं कर लेता सदका फितर की मकदार क्या होगी इस हवाले से क्योंकि मुख्तलिफ अदवार में पैमाने बदलते रहते हैं यानी नबी करीम सलातम के मुकदस दौर में जो पैमाना होता था एक सा होता था सा का लफज इस्तेमाल होता है अरबी के अंदर तो वो एक खास किस्म का बर्तन होता था तो उसके अंदर जो है वो उसी के साथ ही ताजर हजरा जो है वो नाप तोड़कर उसको अदा करते थे फिर दौर बदला और हमारा जो दौर है इसमें किलोग्राम की सूरत में जो है वो के की सूरत में लोग करते हैं तो बहरहाल जब उसी पैमाने को के में कन्वर्ट किया तो फिर ये फिगर जो है वो हमारे सामने आया लेकिन हमारे फुका ने एहतियातन ये कहा है कि बहरहाल उस पर थोड़ा सा बढ़ा कर दे दिया जाए ठीक है मिसाल के तौर पर जैसे कि अगर हम सबसे पहले गंदम के एतबार से देखें तो गंदम के एतबार से पोने पौने दो किलो गंदम वन पॉइंट सेवन फाइव Uh, मैंने इतनी के जी गंदम आपके पास हो या इतने के जी गंदम की जो मार्केट वैल्यू है कीमत है वो अगर हो तो उसकी जो भी मार्केट वैल्यू उसके मुताबिक देना ये गंदम के मुताबिक फर्ज है अब एक इशारिया पचहत्तर uh, के जी जो uh, गंदम है इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो उसकी उसका रेट मुकर किया गया है वो एक सौ चालीस है तो एहतियातन एक सौ पचास दे दिया जाए या दो सौ दे दिया जाए या जो ज्यादा साहिबी लोग हैं तो वो जो और इस तरह किशमिश और खजूर के अतबार से दें ताकि क्योंकि उसके अंदर निसाब ज्यादा बनता है ताकि गुराबा का ज्यादा फायदा हो बहरहाल हाल गंदम के अंदर एहतियात यही है कि आप दो किलो के हिसाब से दे लें ताकि आपकी तरफ से जो है वो कमी नहीं रहनी चाहिए अगर ज्यादा अदा करेंगे तो उसमें सवाब ज्यादा मिलेगा और जो खजूर और किशमिश के अतबार से भी साढ़े तीन किलो या उनके साढ़े तीन किलो की जो बाजार की जो मार्केट वैल्यू है उसी के मुताबिक जो है वो अदा करें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एहतियात बेहतर है दो किलो गंदम की जगह पर दो किलो दे दें इसी तरह साढ़े तीन किलो खजूर की जगह पर जो है वो चार किलो खजूर का जो मार्केट वैल्यू है उसी के मुताबिक अदा करनी चाहिए जैसे कि ये मुफ्ती साहब ने इस साल यानी 2021 के ए, जो ईद उल फितर है उसके हवाले से जना मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती रहमान साहब ने ये बनाया है एक चार्ट तो इसको भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर उन्होंने जो गंदम के के हवाले से पाकिस्तान के अंदर फितरा उन्होंने मुकर किया है वो एक सौ चालीस है जौ के एतबार से जो मुकर्र किया गया है वो तीन सौ बीस है खजूर चार किलो के एतबार से अः मुकर किया गया है नौ सौ साठ और इसी तरह किशमिश के हवाले से अगर अदा करें तो वो उन्नीस सौ बीस रुपए तो बहरहाल गंदम पे ही नहीं रहना चाहिए बल्कि जिन लोगों को अल्लाह तबारक वाली ने यह माल अता किया है तो उनको चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा अदा करें जैसे कि अल्लाह किबारक वाली ने फरमाया कि अगर तुम और ज्यादा बढ़ा कर दोगे तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है लिहाजा गुरबा का ख्याल करते हुए ज्यादा से ज्यादा जो है वो अदा करना चाहिए फिर अगला इसमें सवाल आता है कि इसके मसारफ कौन कौन से हैं यानी कौन कौन से कौन से लोग हैं कि जिनको सद का फितर अदा किया जा सकता है तो वही लोग के जो ज़कात के मसारफ हैं, वही सद के फितर के हैं। जक़ात के जैसे पड़ी थीबा के, के अंदर तबारक वाली नेक़ात को बयान फरमाया आठ मसारफ को तो वो जो मसाकिन है जो फक है जो आमिलीन है उसकी हम वजाहत कर चुके हैं पिछले लेक्चर में तो उसकी दोबारा वजाहत मुनासिब नहीं है तो बहरहाल वो जो हमने उसको डिस्कस किया है एक एक को वो, मसारिफ वो मसारिफ जो मसारिफ़ जकवात के हैं बिल्कुल मिनवान वही मसारिफ़ जो सदका फितर के होंगे सदका फितर तभी अदा होगा कि आप वाकई उन मसारिफ़ में से किसी मशरफ को अदा करेंगे तभी आपका सदका फितर अदा होगा और अगर उन के अलावा किसी को दे दिया तो आपका सद फितर अदा नहीं होगा अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ नमाज ईद के हवाले से क्योंकि ईद आने वाली है तो उसके हवाले से कुछ बयान लेकिन सद फितर के हवाले से सवाल अभी ले लेते हैं ताकि उसके बाद जो है वो बाद में ईद को हम बाद में डिस्कस कर लें सद के फितर के हवाले से जो भी सवाल हैं किसी के तो आप पूछ सकते हैं जो गेस्ट हाउस तो की नोयत बताएं मुझे बहरहाल इसमें जो ओवरऑल रूल है ना कि जो चीजें आपके जाति इस्तेमाल के अंदर आती थी हैं ठीक है थीके? उन तमाम चीजों पर इसतना हासिल है उसके अलावा जो जाति इस्तेमाल से अलग है के इजाफी कपड़े भी इजाफी बर्तन भी इजाफी बिस्तर भी उन तमाम चीजों की भी मालियत नोट की जाएगी जो भी चीज इजाफी है। इसमें एवरेज देखी जाएगी जो एवरेज है यानी के जो मुतवस्त है खजूर या जौ या गंदम उसकी कीमत देखी जाएगी या जो आम तौर पर राइज आपकी मार्केट में जो लोग इस्तेमाल करते हैं जी जी जो बीवी है वो अपनी तरफ से अदा करेगी <laughs> और कोई सवाल जी बिल्कुल इसमें जो के अंदर हमने इस चीज को डिस्कस किया था उसको रिपीट कर देता हूँ आप अपने उसूल और फ्रूक को नहीं दे सकते फितर या जक़ात उसूल और फ्रूक कौन से होते हैं उसूल कहते हैं बा माँ बाप दादा दादी नाना नानी या ऊपर यानी पड़दादा पड़दादी पड़ानी पड़नाना जो ऊपर आपके जा रहे हैं रिश्ते उनको कहते हैं उसूल उनको भी नहीं दे सकते और जो आपके नीचे यानी जिनको फरू कहते हैं जैसे आपका बेटा बेटी पोता पोती नवासा नवासी इनको नहीं दे सकते जो साइड पे हैं यानी बहन है भाई है चाचा है मामू है खाला है कुको है उन सबको आप दे सकते हैं ठीक है तो अगर वो लेकिन शर्त उसमें यही है कि वो फकीर शर्य हो अगर वो फकीर शर्य नहीं है तो फिर आप उनको नहीं दे सकते नमाज ईद के हवाले से चंद मसाइल हैं वो आपके सामने रखते हैं कि सबसे पहले नमाज ईद का हुक्म क्या है यानी कोई नमाज फर्ज होती है कोई वाजिब है कोई सुन्नत है होती है कोई नफल तो जो ईद उल ईदलफितर और ईद उल अजहा की नमाज है ये वाजिब है लेकिन हर मुसलमान पर वाजिब नहीं है ये हर उस मुसलमान पर वाजिब है जिस पर नमाज जुमा वाजिब है नमाज जुमा क्योंकि हर मुसलमान पर वाजिब नहीं है जो देहात में रहने वाले लोग हैं उन पर नमाज़ जुमा वाजिब नहीं होती और देहात की खास शराइ होती है कि इतने घर होंगे इतने लोग होंगे ये ये फैसिलिटीज होंगी उस वक्त जो है वो उन उन लोगों पर नमाज जुमा फ़र्ज होगी और सब नमाज जुमा अदा करेंगे और अगर ये फैसिलिटीज नहीं है जैसे हमारे पंजाब के अंदर मुख्तफ डेरे होते हैं यानी एक डेरा होगा वहां सिर्फ दो घर रहते होंगे दूर दूर, दूर तक फिर जब उन्होंने अपनी कुछ सहूलियात के लिए जाना है तो शहर में जाते हैं तो फिर ऐसे लोगों पर जोहर की नमाज फर्ज होती है जुमा के दिन जुमा फ़र्ज़ नहीं होता इसी तरह ईद भी उन्हीं लोगों पर फर्ज होगी जिन पर नमाज जुमा फर्ज है ठीक है तो ये नमाज जुमा के हवाले से जो शरात है वही शराब इसी के अंदर इसके अंदर भी लागू है ईदेन की नमाज कहाँ अदा की जा सकती है ईद की नमाज सिर्फ शहर और ऐसे बड़े गांव और देहात में यानी बड़ा गांव और देहात उसके अंदर शर, आ, मुख्तलिफ फुका की मुख्तिस शराय हैं कि तीन सौ घर हों या एक रिवायत में ये भी मिलता है कि हजार लोग हों या ये भी बाज फुका ने लिखा है कि उसमें आपकी ज़रूरत की हर चीज़ अवेलेबल हो यानी आपको कोई चीज़ फौरी तौर पर जरूरत हो तो आपको शहर ना जाना पड़े वहां से ही आपको अवेलेबल हो तो फिर उस सूरत में उसको बड़ा गांव या बड़े देहात के अंदर भी शुमार किया जाता है तो जहां जुमा की अदायगी वाजिब है तो वहां पर नमाज ईद अदा हो सकती है और यही वजह है कि जहां जुमा की नमाज जायज़ ना हो तो वहां ईद की नमाज भी जायज़ नहीं इसलिए ऐसे मकाम पर ईद की नमाज़ से इजनाव करना चाहिए यानी हमारे यहाँ अब देखा जाता है कि हमारे गांव के साथ भी एक गांव है वहाँ लोग जुमा नहीं पढ़ते लेकिन जब ईद आती है तो ईद पढ़ते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं हती के ऐसे जगह पर भी देखा गया है कि लोग जो है वो आ, मतलब चार चार पाँच पाँच लोग हैं कोई सहूलत नहीं है तो उधर ही वो मौलवी को बुलाकर जो ईद शुरू कर देते हैं जबकि ईद के लिए शर्त है कि वहां पर नमाज जुमा होती हो और जो जहाँ पर नमाज जुमा की शराइ पूरी होंगी वहां पर जो है वो नमाज ईद हो सकती है अदरवाइज नमाज ईद तो वहां पर हो ही नहीं सकती की नमाज में जमात जो है ये शर्त है यानी ये मुमकिन नहीं है को, 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 कोई ये कहे कि क्योंकि नमाज ईद हो चुकी है तो लिहाजा मैं अलग जो है वो अपनी नमाज ईद पढ़ लूँ बल्कि ऐसा नहीं हो सकता नमाज ईद शर्त है एक मस्जिद में अगर मिसाल के तौर पर नमाज ईद आपसे रह गई है तो आप किसी और मस्जिद में चले जाए जहां नमाज ईद आपको मिल सकती है लेकिन बाहर कैफ अगर नमाज ईद की जमात आपसे रह गई तो आपके लिए ये मुमकिन नहीं है कि आप अलग नमाज पढ़ें बल्कि बेहतर यह है कि आप चार रकत नफल पढ़ लें और उसमें आप इशराक का वक्त है तो इशराक की नीयत कर लें चाश का वक्त है तो चाश की नीयत कर लें बहरहाल आप जो है वो ऐसे कोई नवाफिल पाड़ लें ताकि बारक का जो कुर्ब है वो आपको हासिल हो सके लेकिन उसके मुतबाद ये मुमकिन नहीं है कि आप जो है वो अपनी अलग नमाज ईद अदा करें इसमें नमाजियों की कम अज कम तादाद जो कि नमाज जुमा में शर्त है वो इसके अंदर शर्त है नमाज जुमा के अंदर नमाजियों की कम अज कम मकदार की शर्त यह है कि इमाम के अलावा तीन लोग कम अज कम यानी अगर मिसाल के तौर पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर इमाम है और साथ में दो लोग हैं बेशक वो शहर है और वो वहाँ पर जुम्मा पढ़ना चाहें तो वो नहीं पढ़ सकते जुमे के लिए शर्त है कि कम अज कम इमाम समेत चार लोगों तो यही शर्त ईद के लिए भी है कि कम अज कम इतने लोग होंगे तभी जो है वो ईद की नमाज पढ़ने के अहल होंगे सिर्फ इसके अंदर बाकी तकरीबन जो भी शराइत हैं वो जुमे वाली हैं सिर्फ एक जो है फ़र्क है कि जुमा की नमाज में जो खुतबा होता है वो हम पहले पढ़ते हैं और वो नमाज जुमा का खुतबा फर्ज है जबकि ईद की नमाज के लिए जो खुतबा दिया जाता है वो ईद की नमाज के बाद दिया जाता है और वो सुन्नत है ठीक है तो इसलिए ये फर्क है और बाकी जितनी भी शरात और अहकाम हैं वो सेम ही है अब आखिर में हम एक दफ़ा जो ईद की नमाज़ की अदायगी का तरीका है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह इसको ख़त्म करते हैं ईदैन की नमाज के लिए सबसे पहले आपने नीयत करनी है और नीयत वही जो आप नमाज के लिए करते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा इजाफा है कि आप दो रकत नमाज फितर या ईद जो भी ईद हो उसकी नीयत करें और साथ में जो छह जायद तकबीरें हैं जो वाजिब हैं उनको मेंशन कर दें बस आप कहेंगे सात छह तकबीर ज़वाइद के यानी जायद जो आप पढ़ेंगे उसके साथ फिर उसके बाद आप तकबीर तहरीमा कहेंगे कानों तक हाथ उठें और अल्लाह अकबर यानी तक तकबीर तहरीमा कहकर हसब मामूल नाफ के नीचे हाथ बांध लीजिए और सना पढ़ें फिर कानों तक हाथ उठाएं और अल्लाह अकबर कहकर हाथ जो है वो लटका दें यानी यहाँ पर क्योंकि डिटेल से लिखा हुआ है तो मैं आपको थोड़ा मजीद आसान लफ्जों में बता देता हूँ कि इसके अंदर छः जायद तकबीरें और जो छह जायद तकबीरें हैं उनमें से पहली ती, तीन तकबीरें पहली रकत में और तीन तकबीरें दूसरी जो रकत है उसके अंदर है अब जो पहले वाली तीन तकबीरें हैं वो आपने किरा से पहले अदा करनी है यानी उसका तरीका कार मैं आपके सामने रखता हूँ सबसे पहले आपने तकबीर तहरीमा कहकर हाथों को कानों तक उठाया और हाथ हाथों को बांध लिया उसके बाद आपने सना पड़ी उसके बाद आपने फिर अपने हाथों को कानों तक उठाना है

ठीक है यानी पहले वो सुरफ आते और जो भी सूरत वो मिलाएंगे और उसके बाद फिर वो तीन तकबीर होंगी पहले अल्लाह अकबर कहकर हाथों को छोड़ देंगे फिर अल्लाह अकबर कहकर हाथों को छोड़ देंगे फिर अल्लाह अकबर कहकर हाथों को छोड़ देंगे और फिर चौथी तकबीर में वो अल्लाह अकबर कहते हुए रकूह में चले जाएंगे यानी वो जो चौथी तकबीर होगी वो अल्लाह अकबर जो कहेगा तो वो रकू की तकबीर होगी वो बेसिकली रकू के हवाले से है तो इस तरह छह तकबीरें जो है वो अदा करेंगे और उसके बाद मामूल के मुताबिक जो बाकी नमाज है उसको मुकम्मल करेंगे तो ये ईद के हवाले से मुख्तर तरीका है इसको भी रिवाइज कर लें और उसके बाद फिर खुतबा होता है वो भी तवज्जो के साथ सुने और इस तरह जो नमाज ईद है वो मुकम्मल हो जाती है इसके हवाले से अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं हाँ उसकी उसके अंदर जो तकबीर है वो आप अदा करेंगे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर लेकिन दूसरी रकत में कहाँ पर आप शामिल हुए हैं ये जो है आप मुझे इसकी वजाहत करें क्योंकि दूसरी रकत में अगर अगर तो आप मिसाल के तौर पर रकू में शामिल हुए हैं तो आपकी इसकी तकबीरें भी रह गई हैं तो वो तकबीरें जो है वो आप हाथ उठाए बगैर रकू में कहेंगे यानी आप जब रकू में जाएंगे तो आप तीन दफा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कह देंगे लेकिन आप अपने हाथों को नहीं उठाएंगे ठीक है तो वो आप उसमें रकू में कहेंगे और जो पहली रकत वाली रह गई है तो वो वो आप उसी तरह जो है, अदा करेंगे उसमें जब आप इमाम के बाद अपनी रकत अदा करेंगे तो उसमें आप उन को भी शामिल करेंगे ओके अल्लाह हाफिज़ जी माशा वेरी वेल एक्सप्लेन वंस अगेन साहब ने समझाया और जिस तरह हमारे दोस्त यहाँ बैठे वो कह रहे कोशिश करें कि ईद में लेट ना ही पहुंचे क्योंकि ये साल में एक ही बार आती है तो इस पर तो टाइम से हम पहुंच जाए तो ब्रेक लेंगे दस मिनट के लिए सो विल्वेंटी थ्री ट्वेंटी असला बबरक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हिब्रहरिम बैक फ्रॉम द ब्रेक तो अब मैं बुलाता हूँ मौलाना अवैस को आ, वो तशरीफ़ तो तफसीरुल कुरान के हवाले से आ, एक बार फिर सब के लिए रिमाइंडर के ये जो हमारा आज का सेशन है सो यहाँ पर सैटरडे इस हफ्ते होगा कल के जो संडे है उसमें कोई सेशन नहीं है वीकेंड आफ्टर विच इज ईद वीकेंड अगेन नो सेशन हफ्ता और एतवार दोनों दिन कोई सेशन नहीं है वीक आफ्टर दिच इज द वीक ऑफ एवं सेकेंड ऑफ मई उसमें सैटरडे को हम सेशन यहाँ पे डिलीवर करेंगे और संडे को कोई सेशन नहीं होगा इनशाला उज़बीतर बिस्मिल्लि वरम वक् मोहतरम सामीन और नाजरीन हमारा जो सबका लेक्चर का अख्ताम हुआ था बड़े ही एक अटल जो फैसला था अल्लाह के जिसने हद्ला को बरकरार रखा उस बाउंड्री को क्रॉस ना किया तो उसके लिए अल्लाह ने फरमाया कि जन्नत है इतनी खूबसूरत जन्नत के उसके नीचे नहरें बहती हैं उस जन्नत की खूबसूरती को कोई बयान नहीं कर सकता हादिस तीबा में जिस तरह उसकी खूबसूरती और उसके फजाइल में चीजें आई और उसके कुरान पाक में जिस तरह उसके बारे में जिक्र आया कि जब बंदा ये सोचे तो फिर बंदा अच्छे अमाल भी करता है क्योंकि अच्छे और नेक अमाल का सिला जो होगा वो जन्नत की सूरत में मिलेगा फिर इसी तरह जो अगली आय मुबारक थी अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा लेकिन अगर बुरे अमाल करोगे वो मैं यहाँ आशिल्ला ना फरमानी करोगे बाउंड्री को कर उसके बारे में आता है कि पहले वो सुरख थी और फिर अब जो है उस आग की सूरत हाल जो है रंग काला है और जन्नतियों का जो खुराक होगी वो पीप होगी ज़रा आप मुवजना करें इन चीज़ों से कि जहनुम की कितनी सख्त सज़ा है अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को उससे बचाए आज जहाँ से हमने लेक्चर शुरू करना है बड़ा इम्पोर्टेंट मौजू है के आयत नंबर पंद्रह के वल्लात, को बातम और औरतों में जो औरतें तुम्हारी औरतें हैं अगर वो बदकारी करें मतलब कि फॉरनिकेशन हो जाए या कोई ऐसा अमल हो जाए उनकी रजामंदी से समझें कि लाकानूनी अमल शरीयत के मुताबिक नहीं गैर मर्द और औरत का जब यह ऐसा अमल हो जाए जिसे कहा जाता है फिर उस पर चार गवाह आ जाए और चार गवाह हों भी मर्द औरतें नहीं तो फिर वो गवाही भी दें इस चीज की तो फिर जिस तरह आयत में के औरतों को घरों में बंद कर दो उस वक्त तक बंद रखो कि जब तक उनको मौत ना जब तक उनको मौत न उठा रहे उनके लिए कुछ राह ना निकाल दे इसका हुक्म जो है जब याद हुई लेकिन जब सूरह नूर में का दूसरी हुई के जो गैर शादी शुदा लोग आपस में इस तरह करेंगे तो उनको सो कोड़े मारे जाएंगे और अगर शादी शुदा करेंगे तो हदीस तयबा में उसकी तस्वीर आई कि उनको संसार किया जाएगा संसार का मतलब यही होता है कि आधा जमीन में गाड़ कर चारों अतराफ से लोग उसको पत्थर मारें हती कि इतने पत्थर मारें कि वो मर जाए ये दुनिया में सजा शादी शुदा के लिए जो इस तरह का फॉर्निकेशन वाला अमल करता है और यह का जो हुक्म है ये मनसूख गया कि अगर इस तरह का अमल करते हुए पा भी जाए तो उनके लिए जो है घरों में बांधी नहीं करना शरीय ने उनके लिए कुछ चीज़ें मुकर रखी हैं अब इस जो फॉर्निकेशन वाला जो अमल होगा इस पर जो गवाही देनी है उसके लिए चार जो मर्द है उनका होना जरूरी है फिर उनका अमल देखा जाएगा यानी कि ये, ये ऐसे नहीं है कि कोई भी खड़ा होकर किसी पर लगा दे अगर किसी से ऐसा कोई अमल हो भी जाता है क्योंकि दौर हाजिर ऐसा है कि इस्लामी सजाओं को मुकर नहीं किया जा सकता इस दौर में ना ऐसा कोई अमल हमारे मुल्क में नजर आता है वरना कहीं इस्लामी कानून बहुत ऐसे कम जगह जहाँ पर नाफिजुलमल है तो हमारे मुल्क में भी उसकी जैसे कानूनी सजाएं हो रखी है ठीक है लेकिन यह है कि अगर किसी से ऐसा अमल हो गया है अनजानी में गलती में इंसान है ना खता हो जाती है उससे गलती हो जाती है तो सबसे बड़ी बात है कि वो अल्लाह इज्जत की बारगाह में तो बात क्यों क्योंकि अल्लाह इज्जत की रहमत उसके गजब से हावी है ऊपर का लेवल है उसका रहमत का तोबा तय कर ले तो अल्लाह इज़्ज़त की बरगाह उस शख्स को माफ कर देती है और अगर कोई किसी इल्जाम लगाए साफ सी बात है जो माशरे में हम लगाते भी हैं घर बैठ कर हम सुबह तज्ह कर रहे होते हैं कि वो औरत फ निकली और फला गई बस हो गया कुछ ये आने अजीम है और जो किसी औरत पर तोहमत लगाता है बहुतान लगाए तो उसकी शरीयत सजा अस्सी कोड़े रखी है बहुतान लगाना बोहतान निसम नाजिम बहुतान भी एक बहुत बड़ा गुनाह है लेकिन जो फॉरनिकेशन वाला अमल हो जाए इस्लाम ने इसकी बड़ी सख्त मजम्मत की है मैं आपको पहले बता रहा हूँ और अगर देखा जाए मजम्मत इसलिए की कि इस मामले में भी औरत को रिस्पेक्ट दी जा रही है औरत के हकूक की बात की जा रही है औरतों को इज्जत दी जा रही है औरतों को उनका मकाम मरतबा बताया जा रहा है कि तुम टिश्यू पेपर नहीं कि तुम्हें यूज करके फेंक दिया जाए इस्लाम ने तुम्हें मलक और शहजादी बनाया कि अगर तुम किसी के साथ रहती हो तो तुम्हें मलक और शहजादी की तरह एक हसन सलूक के साथ रखे इस्लाम ने औरत को मलक और शहजादी का रुतबा दिया है इस तरह नहीं दिया अगर यह अमल किसी से हो सख्त वहीद के बारे में जिस तरह जिसने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत किसी कौम में उसको दाखिल करे जो उसकी कौम से ना हो अगर फॉरिकेशन का अमल हो जाए वो प्रेग्नेंट हो जाए और फिर वो मतलब के क्योंकि ऑबोशन वगैरह जो है इसके बारे में शायद कुछ पेचीदगियाँ हैं किसी से ऐसा हो जाए ऑबोशन करवाना इसकी कोई मुद्दत है चार महीने से कम की कि उसमें तो चल मुमकिन है क्योंकि चार महीने से ऊपर गुजर जाए तो ऑबॉर्शन करवाना मतलब कि आपने एक जान को कत्ल किया इस तरह का ऑबर्शन चार महीने से ऊपर कम कर नहीं करवा सकते करे तो अल्लाह जब जल्द की राहमत का हिस्सा उस कौम में कभी दाखिल नहीं होगा जो ऐसा अमल करे प्रेगनेट हो जाए और फिर वो बच्चा पैदा हो तो अल्लाह ने फरमाया उस कौम पर उस कबीले पर अल्लाह की रामतों का नजूर नहीं होगा दूसरी हदीसी मुबारक हजरत अब्दुल्लाम सल्लाया कि जिस बस्ती में जना और सूद ज़ाहिर हो जाए तो अल्लाह जवाजल के अजाब को समझो उन्होंने अपने ऊपर हलाल कर अगर आज ये सूरत्याल देखे हमारे माशरे में सूद भी कैसे आएंगी भाई फिर भाई भाई से लड़ेगा ना पड़ोसी पड़ोसी के हकूक खाएगा ठीक है तो आज देखिये माशरे में बरकतें उठ चुकी हैं बीमारियां बढ़ती जा रही है तकलीफ बढ़ती जा रही है क्यों बढ़ रही है क्योंकि हमने अल्लाह के आदाब को अपनी तरफ खुद दावत दी है ये तो करीम आका सल्लल्लाहु अल्लाह वसलम का सदका और वसीला है कि हम पर अभी तक पत्थरों की बारिश नहीं हुई हम अभी हवाओं में नहीं उड़े अभी हम जमीन में मदफून नहीं हुए हमारे ऊपर कहत नहीं आया अभी तक उस तरह जिस तरह ना जिसको हमें इस तरह करती है जो पहली कौमों पर आया ये किसका सदका है नबी अकरम सल अल्लाह तल्लम के सदके अल्ला ने हम पर इतना फजल फरमाया कि हमारे इतने बेशुमार गुना लाताद लातादाद गुना जिनका शुमार भी नहीं किया जा सकता फिर भी हम अल्लाह अपना आदाब नहीं बल्कि हम पर अपनी रहमत की बारिश बरसाई ये आप सल्ला का सत्या तीसरी हदीस नबी अक्रम सल्ला वल्लम फरमाए कि जिस कौम में ये फॉरिकेशन वाला अमर ज़ाहिर होगा तो वह क्या हत में गिरफ्तार होगी आप देख लें माशरे में कि अगर आपको पता होता है कि कन्फर्म हो कि किसी जगह पर ऐसा माहौल है तो वहां आप महसूस करेंगे देखेंगे वहां आपको नौरानियत या बरकत और रूहानियत कुछ भी नजर नहीं आएगा और ऐसे लोग हमेशा रोते हुए नजर आते हैं अगर हम इस माने को ले जाएंगे जो हराम की कमाई करते हैं वो भी जिनाह का अगर पैसा आता है अगर कोई इस तरह का अमल करने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट होता है सारी चीजें तो जो वैसे हराम कमाते हैं कभी देखे होंगे घर भी रोना को हो गरीब लेकिन तीन सौ दिहाड़ी लगाने वाला अगर हलाल के साथ कमाता है रात को सुकून से सोता है अगर तीन लाख रुपए कमाने वाला हराम करा को सुकून से सो नहीं सकता और नींद भी अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है अगर सुकून से आज लोग गोलियां खाते हैं सोने के लिए और तो भाई गोलियां क्यों खा रहे आओ हलाल की तरफ आओ दीन की तरफ आओ अल्लाह की तरफ फिर तुम्हारी जिंदगी में कैसी बरकतें आती है खुद देखना इसी तरह चौथी हदीस कि अगर कोई बूढ़ा शख्स फॉरिकेशन वाला अमल करता है तो रसूल ने फरमाया सातों जमीने और सातों आसमान उस शख्स पर लानत करते हैं उस शख्स पर लानत करते हैं सातों जमीने और सातों आसमान अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को ऐसे बुरे फेल से महफूज फरमाए अगली आए मुबारक के वल्लानिया में जो मर्द औरत ऐसा काम करे उनको ईजा दो तकलीफ दो फिर अगर वो तोबा कर लें और नेक हो ने जाए तो उनका पीछा छोड़ दो बेशक अल्लाह बड़ी तोबा कबूल और मेहरबान करने वाला है ये तोबा कबूल फरमाने वाला बड़ा ही मेहरबान अगर कोई ऐसा हमल करते हुए पाए जाए तो उसका सोशल बाई कार्ड किया जाए क्या किया जाए सोशल बाईकार अगर मिसाल के तौर पर इसकी जो तफसीर है उसमें आया है कि अगर मर्द का मर्द के साथ इख्तलात हो औरत का औरत के साथ जिस तरह कुछ यूरोप मालिक में ये भी है कि मर्द मर्दों के साथ शादी करें औरत औरतों के साथ और उसकी वो हवा उठती उठती हमारे मुल्क में भी आ गई और कई लोगों ने नारा लगाया है तो ऐसे लोगों का सोशल बाईकार्ड करना कुरान कह रहा है झाड़ो उनको इग्नोर करो साइड करो कोई हेल्प नहीं कुछ नहीं दवा करो बुरा भुला करो इसलिए उनके उस अमल की वजह से ताकि उनको शर्म आ जाए और अगर वो मोहतात हो जाए और उनको उनके उनका जमीर जाग जाए गैरत आ जाए उनके अंदर तो फिर मैं कि अगर नेक हो जाएं उसके बाद तो फिर उनको कुछ ना कहो फिर छोड़ दो क्यों बंदा जितना मर्जी गुनागार हो अगर वो रब ताला की बारगाह में तोबा ताइब कर लेता है इखलास के साथ दिल के साथ तो अल्लाह रबुल्ज उसकी तोबा को जरूर कबूल फरमाते और तोबा के ऊपर एक और हदीस है मुबारक अब देखें तोबा तोबा क्या है तोबा का मानी होता है रुझू करना लौटना अगर ये बंदे की सिफ हो तो इसका मतलब होता है बंदा रबत की बरगाह से माफी तलब रहा है लेकिन जब तोबा के मानों को अल्लाह रब की बरगाह की तरफ मंसूब करेंगे तो इसका मतलब होगा अल्लाह कबूल करने वाला ये वही आ गया ना जो मैंने आपको रूल नहीं पढ़ाया था कानून पढ़ाया थे इमाम जलाद सियमन बंदे के लिए जब यह माना इस्तेमाल तो उधर क्या माना मुराद होगा और रब के लिए इस्तेमाल हो तो उधर क्या माना मुराद होगा तो इसी तरह तोबा का माना भी ये उस तफसर की एक शाम थी एक कानून था उसका कायदा है यहाँ पर अगली यह मुबारक आखिर तक वो तोबा जिसका कबूल करना अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है वो तोबा जिसका कबूल करना अल्लाह ताला ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है वो नहीं कि जो नदानी से बुराई कर बैठे अनजाने में उनसे गलत काम हो गया लाशौरी की वजह से या शायद इंसान है ना कभी कभी शैतान हावी हो जाता है नफ्स हावी हो जाता है कोई दो मिनट या चार मिनट के गुनाह के लिए इंसान अपने रब को भी भूल जाता है लेकिन पांच मिनट के बाद गुजरने के बाद जमीन अंदर से जाटता है ओए तूने क्या कर दिया है तू क्या कह रहा है कोई नहीं देख रहा वो मालिक तो देख रहे ना जिसने तुझे पैदा किया है तू किधर कौन सी बुराई में चला गया है फिर जमीन मलामत करता है फिर उस शख्स को एहसास होता है फिर वो बारगाह खुदाबंदी में आता है और सजदा रेज होता है अपनी जबीन को झुकाता है माफी तलब करता है तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसे करने वालों पर अल्लाह अपनी रहमतें बरसाता है और अल्लाह उनकी तोबा को भी कबूल फरमाता है क्यों अल्लाह ताला जानने वाला भी है और बड़ी हमत वाला भी है अल्लाह की दात बड़ी ही मेहरबान है जिस तरह अब कोई शख्स तौबा करे उसकी फजीलत के ऊपर सुनिएगा अल्लाह ताला की जात कितनी खुश होती है हजरत बिन मालिक रदील्लावायत करते हैं कि रसुल है कि जब कोई शख्स से दिल के साथ अल्लाह की बरगाह में तोबा करता है तो अल्लाह ते बंदे की तोबा से उससे भी ज्यादा खुश होता है कि अगर किसी शख्स की सवारी गुम हो जाए और उस पर बहुत सारा साधु समान था वह परेशान आला है सो जाता है या कुछ देर गुजरती है और कुछ लम्हे बाद वो सवारी उसके पास मौजूद हो कितनी खुशी होगी मिसा के तौर पर मेरी या आपकी गाड़ी है या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाहर से नहीं मारा मारा घूमा घूमा फिरता रहा तलाश करता रहा नहीं मिली थोड़ी देर बाद गुजरने के बाद वो चीज मेरे सामने खुद आ गई और मैं खुशी में पता नहीं क्या क्या कह जाऊंगा ये तो इंसान है ना तो रसूल्ला ने फरमाया कि जब कोई बंदा गुनागार तोबा करता है अल्लाह की बरगाह में जो उस खुशी में वो जो कुछ कह जाता है उसे पता नहीं होता उससे ज्यादा खुशी अल्लाह को होती है कि मेरे बंदे ने मेरी बरगाह में तोबा की देखे ना ये अल्लाह तलासानियत प्यार नहीं तो और क्या है जिस तरह कुरान मजीद की है कि या का बेरा बेगार करिए इंसान तू किधर गाफिल हो रहा है तू किधर भाग रहा है तू कौन सी दुनिया की रंगीनियों में जा रहा है जो फना है तू क्यों गुनाहों की तरफ जा रहा है चल तू चला भी गया है रंगीनियों में गुम भी हो गया है गाफिल भी हो गया है, लेकिन कुछ सांसें अभी भी तेरी बाकी हैं मोलत दे रहा हूं आ जा क्यों तेरा रब बड़ा करिए तू माफी मांगेगा मैं बख्श दूंगा हदीश तैयबा में आता है कि रबी करीम सजरत अब मुसाशरी से रवायत है क्या रबुल इजत का दस्ते रहमत जो फैल जाता है सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह ले तक सुबह से लेकर रात तक रात से लेकर सुबह तक इसलिए कोई तोबा करे मैं उसकी तोबा को कबूल कर लू और ये रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तत्व शम से यानी कि ये उस वक्त तक ये अमल खुदाबंदी जारी रहेगा जब तक सूरज मगरब से तुरू नहीं हो रोजाना की बुनियाद है हमारी तो थोड़ी सी उम्र है ना अब वो की जब जो है मगरब से तुलू तो क्या सूरज से हर रोजाना यह अमल होगा इसका मतलब ये भी अगर कोई गुना कर बैठे दिन में दस मरतबे कोई गुना करे और दस मरतबा बख्शिश तलब करे ना तो अल्लाह तबारो ते ब देता है पर इसका यह भी हाल नहीं के बंदा दस मर्त जानबूझ कर गुना करे और फिर दस मरतबा जो है और बख्शिश हो जा नहीं यार अल्लाह तला से हम धोखा क्यों करें समझे क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हैं अल्लाह की जागो को धोखा नहीं दे सकता ठीक है हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं अल्लाह तला के तो साफ चूज इलम है अल्लाह अकबर अगली आय वाल सयाद और वो तोबा उनकी नहीं जो गुना में लगे रहते हैं देख लें पिछली इसलिए थी ना तोबा करें कबूल कर लेंगे मैं उनकी कोई तोबा नहीं जो गुनाहों में लगे रहते हैं यहाँ तक उनको मौत आ जाए और अब मैं कहूँ मैं तोबा की नहीं अब वो काफर ही मरेंगे फिरोन था ना खुदाई का दावा लश्कर हो जलाल सारी चीजें खलकत पीछे मखलूक आगे इतनी पावर सुपर पावर था उस वक्त का समझ ले फिर जब आए ना समंदर के दरमियान उसने कहा मुझे भी रास्ता मिल जाएगा जिस तरह मूसा सलाम को मिल गया था समंदर के दरमियान में खुश रास्ता उनकी कौम को जो उनके साथ थे जब आधे में वो पहुंचा मूसा मुसीलाम की कौम ने दरिया क्रॉस कर लिया था वो तो फिर अल्लाह का को पानी को मिल जाओ जब उसने देखा पानी आ गया तो उसने कहा यार अब मैं तस्लीम करता हूँ तू ही मालिक क्या है नहीं अब वक्त चला गया नजा के वक्त तोबा कबूल नहीं होती इसके बारे में वाजे तौर पर लिखा गया आया मरने से पहले तोबा कर लो और कुरान की आया मुबारक इस चीज की कर दिया कि मौत आए आ चुकी नहीं कि मर गया आए नज़ा के वक्त नज़ा से पहले तोबा कर ले नज़ा के वक्त तोबा कबूल नहीं होती और अक्सर लोग हमारे माशरे में काफरों के लिए भी दुआ मफरत करते हैं मैं एक वाक्य सुनाता चलू हमारी सारा मार्किट में कादानी फोतुआ एक डॉक्टर था लोगों ने गाजी मार्किट वालों ने ओ जी कादयानी था तो क्या हुआ बहुत अच्छा था <laughs> कादियानी था बहुत अच्छा था और भाई कोई अच्छाई ही नहीं चाहिए ठीक है अच्छाई होगी उसकी अपने लिए होगी उसको उसका दुनिया में चीजें मिल गई हैं उसे पैसा भी मिल गया अपने पैसे के बदले सारी चीजें मिल गई ठीक है काफिर के लिए वो कादयानी तो दुनिया का बदतरीन काफिर है कादयानी दुनिया एक तो काफिर होता है जो खुदा को मानता ही नहीं है रसूलुल्लाह को तस्लीम ही नहीं करता शिरक करता है लेकिन कादियानी दुनिया का बदतरीन काफिर है कि वो दीन को मानते हुए नबी का इनकार करता है एक ना माने उसके बाद है ना मुनकरा है, है क्या तस्लीम करके ना तस्लीम करना ये और जुर्म है यानी कि चोरी भी करो सीना चोरी भी करो तो लिहाजा काफिर के लिए दुआएं मफ़रत करना शरीय ने बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं दी कुरान मजीद की आय भी है इसके बारे में और बारे शरीयत में भी आया कि अगर कोई करता है जान बूझ कर और किसी काफर को कादियानी को कहे जन्नत ही है उसके ये कहने से वो खुद काफिर हो जाते वो मुसलमान नहीं रहता अगली आयुवार उसका तर्जमा सुने आप और स्लाइड के साथ देखते रहे क्या ऐमान वालो तुम्हें हलाल नहीं कि औरतों के वारिश बन जाओ जबरदस्ती औरतों को रोको नहीं इसलिए से कि जो मै तुमने उनको दिया और उनसे कुछ ले लो मगर इस सूरत में कि सही बेहयाई काम करें तुम उनसे अच्छा बर्ताव करो अगर वो तुम्हें पसंद ना आए तो करीब है को कोई चीज तुम्हें ना पसंद हो और अल्लाह उसने बहुत भलाई रखे हजरत अब्बास फरमाते याद उस शख्स के मुतल उतरी जो अपनी बीवी से नफरत रखता हो इधर भी औरतों की रिस्पेक्ट बयान हो रही है जो शख्स अपनी बीवी से नफरत करता हो उसके हक में आयत आई नफरत नहीं करनी चाहिए बदसलूकी नहीं करनी चाहिए मारना पीटना नहीं चाहिए ताना जनी नहीं करनी चाहिए बीवियों के साथ हुस्न सलूक करो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेमिसाल है आपकी सीरत बड़ी पड़ी है पढ़े ना रवा कि मेरे करीम सल वसल्लम किस तरह अपनी अजवाज मुतहरात से प्यार किया करते

वो हमें किस चीज़ की दर्श दे रहे हैं कि मोहब्बत फैलाओ हाँ अगर एक और बात रखे जो अपनी बीवियों के साथ नफरत करते बदसलूकी करते हैं और उनको तनाधनी करते जिस तरह हमारे माशरे में जाहलीत है ये याद रखे वो पहले ये होता था कि अरब में जाहलीत होती थी कि अगर फोत हो जाती ना औरतों की जबरदस्ती वारस बन जाते थे निकाह किया वारस बन गए कोई फोत हो गया चाचा भाई या कोई वारस बन गए उनका माल हड़प कर लिया अभी तो यही हो रहा है ना साढ़े चौदह सौ साल बाद हम दोबारा साढ़े चौदह सौ साल पहले पहुंच गए माशरे में और है ना औरतों के साथ उसने सलूक करो और देखें जिस तरह वो नहीं फरमाया कि मुमकिन है तुम्हारे लिए उसमें भलाई हो फौरन तीन तलाके भी ना दो इसमें जो मसला है शरीयत ने जो तुम्हें एक आसन तरीका दिया ना एक तो और दूसरा तो तीसरा तो तीन दफा जो पाके के दिन आते हैं महीने में महीने तीन महीने और दस महीने यानी इसमें आप जो है लिमिटेड करके एक एक तलाक करके दो मुमकिन है अगर एक तलाक दो तो वो बेहतर हो जाए वो कभी आग से औरतें भी जुबान चलाती है मैं इस चीज़ का इनकार नहीं करता औरतों की जुबान भी बहुत तेज चलती है और अक्सर जब भी लड़ाई झगड़ा आता है उसमें फिफ्टी परसेंट अब औरतों का कसूर होता है मर्द कोला ने फिर कुव्वत बर्दाश्त दी है सबर दिया है औरतों के अंदर सबर नहीं होता उनकी ज़ुबान जब शुरू हो जाए तो वो कैंची की तरह काट देती है तो इसमें जहाँ पर औरतों की रिस्पेक्ट बयान हुई है ना तो वहाँ औरतों को अपनी इज्जत का ख्याल खुद भी करना चाहिए ताकि कोई उन पर शोर को ये नो बीतना ना आए कि वो उस पर जुलम करे उसे नफरत करे फिर आखिर में जिस तरह फरमाया कि मुमकिन है चलो उसकी ज़ुबान ठीक नहीं है या आपसे बदतमीजी भी कभी कभी कर जाती है मुमकिन है अल्लाह लिए उसमें बहुत बुलाइया रखी हो किस तरह की कि आपकी औला उसका मतलब ये है अगली आयाबारका उसका तर्जमा अगर तुम्हें एक बीवी के बदले दूसरी बदलना चाहो यानी कि एक शादी थी आप दिल किया दूसरी शादी कर लो तो फरमाया अगर तुमने जो पहली बीवी को महर दिया ना उससे वापस नहीं ले सकते बिल्कुल भी जमाने जहलीयत में होता था ना कि अगर एक औरत पसंद आ गई है शादी की खुला मैर दिया ओह दिर आपके हो गए आपके हो गए जनाब फिर और <laughs> जब आपकी खलवत सही हो जाए एक औरत बीवी के साथ खलवत सही मिल जाना तो आप उस औरत से अगर आपने पांच करोड़ भी हक मार दिया तो आप उससे वापसी का मुतालबा नहीं कर सकते उसका हक है पांच करोड़ तो अगर कोई मुतालबा करता है ना इस तरह का तो उसे कहा गया बोहतान आजीम तुम तो बड़े गुनाह की तरफ जो है चल पड़े हो वकीफना क्योंकि अकमर वापस क्यों नहीं ले सकते तुम क्योंकि तुमने एक दूसरे को देख लिया खलबत सहिया में एक दूसरे की जो कुर्बत थी उसको इख्तियार कर लिया है ठीक है वो सारा अमल जो एक इंसानी फितरत होती है एक औरत और तो एक मर्द का वो मियाँ बीवी बनने के बाद हो चुका है इख्तियार तो लिहाजा अब तुम्हारे ऊपर कोई राइट नहीं बनता अब इधर मेहर के ऊपर भी मैं एक बात करता चलूँ कि मेहर जो है मतलब कि अगर कोई लोग ज्यादा मेहर रखते हैं ना चले सोसाइटी के मुताबिक वो अच्छी चीज नहीं है लेकिन इस चीज के इस्लाम ने मना भी नहीं किया कि महर ज्यादा ना रखें इंकार भी नहीं है इस चीज़ का साफ सी बात अगर कोई लोग हक महर ज्यादा रखते हैं ठीक है रखें लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि निकाह को आम करो निकाह को सस्ता करो निकाह को महंगा मत बनाओ हमारे दो हमारे इस जमाने में जो है बिना बदकारी का अमल सस्ता हो गया और निकाह महंगा हो गया ये शरीर है जो स्वभाव भी है जो भलाई भी है जो बरकत भी है जो खैर भी है ठीक है तो मतलब ये है कि औरतों से अकमर इस तरह वापस नहीं ले सकते आगे है कि अपनी बाप दादा की मनकुआ से निकाह ना करो मगर जो हो गुजरा वो बेशक और गदब का काम है पहले जमाने जाहिलियत में ये होता था कि बाप अगर फोत हो गया ना तो मतलब कि जो बाप की दूसरी बीवी है उससे वो निकाह कर लेते थे माल के लिए दादा की बीवी से निकाह कर लिया माल के लिए पैसे के लिए आज भी हम इंसान पैसे के लिए भाग रहे हैं पैसे के लिए उससे निकाह कर रहे हैं पैसे के लिए हम ये करें पैसे के लिए हम वो करें यार पैसे का मैं नहीं कहता कि पैसे का इनकार है आप कमाएं दौलत का वसूल करें अच्छी चीज है जरूरत है इस चीज की फाइनेंशियली आप मजबूत होने चाहिए ताकि आप किसी के आगे हाथ ना फैला सके फकर व फाका सिपना मांगनी चाहिए फाके से क्योंकि फाका इंसान को कुफर तक ले जाता है ठीक है खाने में कुछ नहीं होगा नहीं मिल रहा होगा पेट खाली होगा तो इबादत कैसी होगी मेरे उस्ताद फरमाते थे कि अगर बंदा फाइनेंशियली तौर पर सही ना हो ना वो अपनी एक मिसाल उनके अपने अल्फाज थे बंदे को इबादत में भी मजा नहीं आता क्योंकि जब वो बरगे खुदाबंदी में खड़ा होता है नमाज के लिए भी तो उसका ख्याल और तसव्वुर जो है मैंने क्या करना है मैंने अभी किधर मजदूरी करनी है शाम को क्या होगा बच्चों का क्या होगा इबादत में भी सुरू खत्म हो जाता है अब वो जमाना गया कि वो जो पुरानी फकीरियाँ होती थी पर, सब कुछ घर पर वो और मामले थे लेकिन ये और है इसमें हर कदम देख देख कर रखना पड़ता है तो लिहाजा जो बाप दादा की मनकुआ है तो हो जाती जा है जिनका बाप दादा से निकाह हो जाए तो वो जो उससे नीचे का लेवल होता है ना उन सब के लिए वो हराम है उनसे वो कभी भी निकाह नहीं कर सकते सूर्य नशा का जो हमारा लेक्चर था यानी उसका चौथे सपारे का आखिरी हिस्सा उसकी आखिरी आयत और इस सूर्य नशा का हमारा लेक्चर जहाँ अख्तित हो जाएगा इसमें जो अय मुबारक है आप देख रहे हैं जैसे स्लाइड में स्क्रीन पर उसका तर्जा में देख लेंगे तुम पर हराम हैं तुम्हारी माए बेटियाँ बहने फूपियाँ खलाए भतीजियाँ बाजियाँ तुम्हारी रजाई बहनें तुम्हारी रजाई माएँ ठीक है और ये सारे जो रिश्ते बयान हुए इस तरह के और कि तुम मतलब के नस्ली बेटों जो हैं आपकी बहुओं के साथ निकाह करना फिर दो बहनों को एक निकाह में इकट्ठा करना ये कुछ रिश्ते हैं ऐसे जिनको इस्लाम ने हराम किया है मर्द इनके साथ निकाह नहीं कर सकते इनके महरम रिश्ते हैं अब उनकी तफसील देख लें आप जो नसब से ऐसे रिश्ते जिनके साथ निकाह नहीं हो सकता उसमें हकीकी माँ भी है सुतीली मां भी है इस तरह दादी नानी जितना लेवल ऊपर जाता जाएगा ना उनसे आप निकाह नहीं कर सकते इसी तरह बेटी है बेटी से लेकर पोती नवासी तक पोती नवासी तक जो आपके खूनी रिश्ते में डायरेक्टली आ रहे हैं नसब के साथ सके उनके साथ भी आप निकाह नहीं कर सकते इसी तरह बहन हकीकी बहन हो माँ शरीक बहन हो या बाप शरीक बहन इनसे भी आप निकाह नहीं कर सकते फुप्पी है ख्वा सगी हो या सुतीलीद वाल की बहन हो ठीक है उनके साथ भी आप निकाह नहीं कर सकते इस तरह खाला है ख्वाह वो सतीली खाला हो या सगी खाला हो ठीक है वालद साहब ने अगर चार शादियाँ की हैं ना आगे उसकी सोलह मासियाँ हो गई है खालाएँ, तो सोलह की सोलह उसके ऊपर हराम हो गई उनके साथ वो निका नहीं कर सकता इसी तरह भतीजियाँ हैं ख्वा वो सगे भाई की या सती भाई की तो उनके साथ भी निकाह नहीं हो सकता इस तरह बजी हैं भांझिया उनके साथ भी देखें कितने खूबसूरत रिस्पेक्टेबल रिश्ते हैं ना ये आपकी भांजी मेरी भांजी हमारे दिल में कितना प्यार है भतीजिया है हम मुमकिन है अपनी जान से बढ़कर उनसे प्यार करते हैं जिस तरह हम अपनी मां से प्यार करते हैं वही प्यार हम अपनी खाला से भी करते हैं जिस तरह हम अपनी खाला से प्यार करते हैं वही प्यार हम अपनी फूफी से करते हैं और जिस तरह हम अपनी भांजी से प्यार करते हैं शफकत करते हैं वही हम अपनी भतीजी से भी करते हैं अपनी नवासी से भी कर आपने देखा होगा कि जो बड़े बुजुर्ग हो गए दादा वगैरह हो गए वो अपने बेटे या बेटी से भी उतना प्यार नहीं करते जितना अपना नवासी और पोती से प्यार करते <laughs> और और हैं और नवासी और पोतियां जो होती हैं वो भी अपने वालदा के साथ भी उनकी इतनी अटैचमेंट नहीं होती वो कहते हैं जाना है तो दादी या नानी के पास जाना है दादा या नाना के पास जाना है मतलब कि जितने ये हरमत और रिश्ते आगे बढ़ते जाते हैं उनमें मोहब्बत भी और बढ़ती जाती है ऐसे नहीं इस्लाम ने इनको एक रिस्पेक्टेबल दी तो ये वो रिश्ते थे जिनके साथ नसब से ऐसे हैं जिनके साथ निकाह नहीं हो सकता अब ये रजात वाले रिश्ते रजात वो जो दूध पीने की वजह से किसी औरत का दूध पीने की वजह से जो रिश्ते हराम होते हैं उनका यानी कि वो उनसे भी आप निकाह नहीं कर सकते उनमें रजाई माँ भी रजाई बेटी भी रजाई बहन भी रजाई पुप्पी यानी कि आपने किसी औरत का खून पिया है ना दूध पिया है खून नहीं दूध पिया है तो उसके आगे जो है समझेंगे बहनें उसकी बेटियां अब उस औरत की बेटियाँ वो आपकी बहनें बन गई उस औरत की बहनें हैं आपकी खलाएं बन गई और इस तरह जो नसब के रिश्ते कुछ आराम से इस तरह रजात से भी वो रिश्ते हराम हो जाते हैं पर देखें इस पे जो मुद्दत है ढाई साल ढाई साल से ऊपर अगर दूध पिया है ना फिर वो रजात वाला रिश्ता कायम नहीं होगा शरीयत इस्लामी और अनाफ के यहाँ शवाफे और इमाम जुफर ने इसमें तीन साल लिखे शवाफे के दो साल हैं लेकिन जो है अनाफ के यहाँ ढाई साल है ढाई साल से कबल रजात साबत होती है ढाई साल के बाद रजात साबत नहीं होती अगर ढाई साल या तीन साल की उम्र में किसी बच्चे ने किसी औरत का दूध पिया है तो उसके लिए रिश्ते यानी हरमत वाले नहीं होंगे बल्कि इनमें से चाहे तो किसी के साथ भी निकाह कर सकता है इस तरह हरमत मुसाहरत मतलब बीवी के सास उससे भी आप निकाह नहीं कर सकते ठीक है इस तरह बीवी की जो अगर पहली बेटी हो यानी उसकी सुतीली बेटी और फिर अपनी बीवी के साथ खलबत सहिया कर चुका हो उससे भी निकाह नहीं कर सकते आप समझें कि बहू है मतलब कि तलाक दे दे या मर जाए कुछ भी हो जाए तो बहू के साथ भी जो उसका सुसर है ना निकाह नहीं कर सकता बेटा फोत हो जाए या तलाक दे दे जमाने जालियत में होता था ये लेकिन इस्लाम ने आकर इन सारी चीजों को ख़त्म किया इंसानियत को बहाल किया रिस्पेक्ट दी इंसानियत को ह्यूमन राइट्स बयान किए ये देखे ना क्या खूबसूरत ह्यूमन राइट्स नहीं तो और क्या है ये के एक, एक रिश्ते की खूबसूरती को बयान किया है कि इसका तुमने अदब करना है इसकी ये ये हदें हैं इसकी ये हदें हैं तो ये इस्लाम ने हमें दिया है ना और कौन से ह्यूमन राइट्स बयान करे इस्लाम लेकिन हमने इस्लाम की ह्यूमन राइट्स को पढ़ा ही नहीं कभी काश कि हमने इस्लाम के ह्यूमन राइट्स को पढ़ा होता तो हम किसी और माशरे के तरफ ना जाते हमें सबसे बड़े इंसानियत को इस्लाम ने मुशरक नहीं थे सूरज की पूजा करने वाले नहीं थे चांद की पूजा करने वाले नहीं थे सब थे इस्लाम नहीं था रसूल का दीन नहीं था उससे पहले और जब वो दीन आया रसूल अक्रमल तीफ लाए तो उसके बाद वो सब दीन पीछे रह गए सब उनके जो बदमजहब सारी चीजें पीछे रह गई इस्लाम ने आकर एक इंसानियत को एक नया जन्म दिया मैं नई रूह दी एक इज्जत और दी दी किसने इस्लाम ने दी, ने दी। इस सारी चीजें इस्लाम ने बयान किया इसी तरह दो बहनों के साथ दो बहनों को निकाह में रखना भी जायज नहीं है और अगर एक बहन को एक समझो बीवी है उसको तलाक दे दी साली के साथ निकाह करना है, तो औरत की इज्जत गुजरने के बाद वो अपनी दूसरी साली से निकाह कर सकता है इसी तरह खाला उसकी भांझी और यानी बीवी की खाला उसकी भांझी और भतीजियाँ सगी उनको भी बयात वक्त निकाह में नहीं रख सकता और इसी तरह जो है चार बीवियाँ अगर उसके निकाह में है तो पांचवी को वो अपने निकाह में नहीं ला सकता जब तक उनमें से किसी को तलाक नहीं देगा बयात वक्त सिर्फ चार जो है वह निका में रख सकता है तो आज का जो आबारा टॉपिक था उसमें दो तीन सूरतें थीं जो वाज तौर पर सबसे पहले तो बताया गया कि जो फॉरिकेशन वाला अमल हो जाए तो उनके लिए क्या है सबसे बड़ी बात है तोबा करें अल्लाह रब की बारगाह ठीक है के हमें वाकत भी मिलते हैं मैं आपको कबीरे जहन की एक औरत का वाक़ सुनाता हूँ कि उनसे ऐसा अमल हो गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अगरम वसल्लम की बारगाह में आई या यारसोल्ला मैं मुजरिम हूँ मुझसे ये अमल हो गया मैं कुर्बान जाऊं उन लोगों के अकायदे अकीदे पर और अल्लाह का खौफ क्या तकवा था मैंने पहले क्या इंसान ख़ता का पुतला है फरिश्ते तो नहीं है ना इंसान नफ्स ख्वाहिशात हर चीज़ है साथ शैतान का गलबा है शैतान तो कर रहा था कब पोटल से उतारू तो मैं प्रेगनेंट हो गई हूँ आपने उसके वली को बुलाया फरमाया कि जब इसकी डिलीवरी हो जाए फिर उसको मेरे पास लेके आना जब वो बच्चा पैदा हो गया फिर उस औरत को लाया गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको संसार किया जाए उसको ग्राउंड में लेके जाया गया संसार किया गया कि मार के फिर नबी अकरम पढ़ाया तो हजरत रजी रसोल्ला मेरे माँ बाप आपको पूछना चाहता हूँ इस औरत से तो ये ऐसा मल हो गया था बदकारी वाला फिर आपने उसका जिनादा क्यों पढ़ाया तो नबी अकरम सल क्या तुमने उसकी तोबा को नहीं देखा कौन चाहता है मुझे मारा जाए पत्थर मार मार के जमाने में लेकिन अल्लाह शरीय का हुक्म था और अल्लाह का खौफ था दिल में फनवाया कर इसकी तोबा को मदीने के सत्तर आदमियों में तकसीम कर दिया जाए ना सत्तर आदमियों में तब भी इसकी तोबा बढ़कर है इसकी तोबा की वजह से सत्तर आदमी ऐसे गुनागार भी बख्शे जाएंगे लेकिन जिसने तोबा किया कमाल की तोबा की है देखिए ना क्या थे। लेकिन इस दौर में भी अगर इंसान पहले कहे हम भी क्या हमारा हम सबसे हर इंसान से गुनाह होते हैं गुना हो जाए लेकिन याद रखें अल्लाह ताला की बरगाह से बख्शी तलब करते रहना चाहिए ठीक है और दूसरा जो हमारे इधर टॉपिक बयान हुआ जो पूरा का पूरा औरतों के ऊपर ही था टोटल मैं अगर देखू ये डेढ़ रकू जो था ये था लेडीज की रिस्पेक्ट उनके हकूक के ऊपर कि अगर इस तरह का मामला हो जाए औरतों को महर के मामले में अगर तुम दूसरी बीवी से करना चाहते हो तो पहली औरत से हाथ महर वापस नहीं ले सकते और जो तीसरा मेन टॉपिक था हर हरमत वाले रिश्ते नस्बी रजाई और मुसाहरी इंसानों को बयान किया कि फला फल रिश्ते का तुमने कैसा तक रखना है तो उसको इस्लाम ने बयान किया ये हमारे दीन की खूबसूरती है ये हमारे इस्लाम की खूबसूरती है ठीक है ये उस ये वो खूबसूरती जो नबी अकरम सल्लाम ने हमें दी और यही तो सारे हमें तब समझ आएंगे जब हम इनको पढ़ेंगे अल्लाह इजत जो सूरन ने का तर्जमा पढ़ा तफसीर, जो उसमें अकाम बयान हुए यतीमों के हवाले से वरासत के हवाले से औरतों के हकमेह के हवाले से ठीक है और इंसानी की इज्जत तकरीम के हवाले से यतीमों के हकूब में आपने सुने जितना बयान हुए कितनी सख्ती है जो जुर्म करते हैं उनके लिए और, और, और बयान हुए ये सारे जो था सूरन में जिक्र था ये सारा लेक्चर जो था हमारा, आज जो मुकम्मल हुआ है सूरन वाला उसका कुछ हिस्सा जो हमने अपने नो आज मुकम्मल हो गया ना वो सारे

मतलब उसने एक जान को कत्ल किया यानी कि इस के लिए आप नाउ को नहीं यूज़ चलो Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Any additional questions keep coming, and we uh, continuously say this to you all online, on site as well. They're all questions, most of the time, we try to uh, answer those accordingly inside the session. But for any reason, if those are not answered, or partly answered, or they're not to your understanding, कीप दैन की फीडबैक जितने भी सवालत हैं फीडबैक है, है इसको भेजते रहें अगर कोई आपके सवाल यहाँ पे आंसर हो जाएंगे जवाब उनके और आपको उससे तसली नहीं हो रही या फर्दर एक्सप्लेशन चाहिए तो आप लिख के भेज दें जो हमारी एडमिन टीम है फिर उसको हैंडल कर लेगी अब मैं गुजारिश करूँगा प्रोफेसर अखलाक साहब से वो आए और हदीस एनिस साइंसिस के हवाले से आगे लेके चल रिमतिकवाद मोलान सल्ला हबीबी ही महमदी वसबी वब्ल के फ़लो करम से हम खैरूम कोर्स में हदीस और हदीस पढ़ने की शहदत हासिल कर रहे हैं गुजा लेक्चर से हमने हदीस का सिलसिला शुरू किया और इन हमारी कोशिश होगी कि हम इस कोर्स में चालीस अदीस पढ़ सकें आका क़रीम अलह वसलाम ने इर्शाद फरमाया की रिवायत है कि मेरी उम्मत में से जो शख्स चालीस अहादीस को याद करेगा उनको हिफ्स करेगा तो कल कयामत के दिन अल्लाह ताला उसका हशर फुकाहा के साथ फरमाएगा उसका जो शुमार होगा वह फुकाहा में होगा और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक आका करीम सलाम ने फरमाया कि मैं उसकी शफात करूँगा लिहाजा हमने कोशिश करनी है कि हम चालीस अहादीस को याद कर सकें ताकि कल कयामत के दिन हम सुरखरू हो सकें और इसके साथ साथ हमने एक दूसरी कोशिश ये करनी है कि जो चीज़ और जो अहादीस हम याद करें यहाँ पढ़ें उनको दूसरों तक भी पहुँचाना है सही बुखारी की रिवायत आका करीम सलाम ने शायद फरमाया न दौर इम्र अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरो ताज़ा रखे सम या मकालती जो मेरी बात को मेरी हदीस को सुने फिर उसको वो अच्छे तरीके से याद रखे और जिस तरह उसने सुना था उसको दूसरों तक पहुंचा दे अल्लाह उसके चेहरे को तरो ताजा रखे आज के जो हमारा सबक है जो हमारा लेक्चर है इसमें दो अदीस का हमने इंतब किया है उसमें से पहली हदीस जो है वो तोहद के हवाले से है

अल्लाह का क्या हक हाँ है क्या तुम जानते हो कि बंदों पर अल्लाह का क्या हक हाँ है काला अल्लाह व रसूल आलम तो हजरत मुआज बिन जबल ने जवाब अर्ज के अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं आका करीम सलाम ने जवाब इर्शाद फरमायाकू बिही आ वला फरमाया बंदों पर अल्लाह का ये हक हाँ है कि वो उसकी इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं फिर आका करीम तो ने पूछा कि क्या तुम जानते हो तदरी कि अल्लाह के, अल्ला के जिम्मा बंदों का क्या हक है तो आपने फिर वही अर्ज की अल्लाह रसूल आलम अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं तो आका करीम ने इरशाद फरमाया अल्लाम अल्लाह पर बंदों का ये हक है कि वो बंदों को अजाब ना दे तरी से मुबारक में आका करीम वसलाम का एक अंदाज हमारे सामने है। कि आपने से सवाल किया उन्हें मुखातब किया और उनसे सवाल किया कि क्या तुम जानते हो बंदों पर अल्लाह का क्या हक हाँ? है इससे हमारे सामने ये बात वाज हुई और आकाम का अंदाज हमारे सामने है कि अगर हम किसी को सिखाना चाहते हैं तो लाजिम नहीं है कि हम खुद ही उसके सामने सब कुछ डिलीवर कर दें और हर चीज उसको बता दें नहीं बल्कि हम उसके सामने एक सवालिया अंदाज अंदाज रखें अंदाज में उससे कुछ सवाल करें जिस तरह आका सलात ने हजरत मुआज बिन जबल से सवाल किया तो सवाल करने के बहुत सारे फवायद हैं जब हम किसी से सवाल करते हैं तो हम उसकी तवज्जो हासिल कर लेते हैं फिर जब आप किसी से सवाल करते हैं तो उस सवाल से आप उसको सोचने का मौका देते हैं जिससे उसके अंदर उसकी तखलीक की सलाहियतें बेदार होती हैं तो लिहाजा जब हम किसी तक दीन की बात पहुंचा रहे हो तो हमें उससे कुछ सवाल करना चाहिए और उसके कुछ नजरियात जान लेने चाहिए फिर उसके सामने एक हल पेश करना चाहिए अकाल सलात ने उनसे पूछा ए मुआज क्या आप जानते हैं कि बंदों पर अल्लाह का क्या हक है आपने कितना खूबसूरत जवाब दिया मोहब्बत बरे अंदाज में अल्ला व रसूल आलम अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं ये अर्ज नहीं की ये जवाब नहीं दिया कि मुझे मालूम नहीं बल्कि आपने नस्बत खुदा और मुस्तफ़ा की तरफ कर दी कि अल्लाह और उसका रसूल ही इस बात को बेहतर जानते हैं तो ये एक मोहब्बत बड़ा अंदाज था अक्रीम तो सलाम ने जब उनका ये जवाब सुना तो आपने खुद उनको जवाब इनायत फरमायाबू फरमाया बंदों पर यह हक है कि वो अल्लाह की इबादत करें अमा आईनी अलामा इबन हजरानी रहत तीगर शारहन आप इसकी वजात करते है, फरमाते है, से मुराद ये है कि वह दोहू कि वो उसको एक माने उसकी वहदानीत पर ईमान लाए ये सबसे पहला हक है और फिर उसके बाद फरमाया वाला युषरीकू भी शई वो उसके साथ किसी चीज़ को शर्क ना ठहराएं तो देखिए बंदे के जिम्मा दो चीज़ें लाजिम हो गई नंबर एक कि वह तोहद पर कायम रहे और नंबर दो शिरक ना करे ये दो हर बंदे पर लाजिम है और फिर उसके बाद आका करीम ने फरमाया कि अब ये बताओ अल्लाह के जिम्मा क्या चीज़ लाजिम है अल्लाह पर क्या हक है बंदों का फिर वही जवाब दिया अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं तो आपने फरमाया अल्लाह पर यह हक है कि वो बंदों को अजाब न दे और याद रखिए यहाँ इससे यह मुराद कतन नहीं है कि अल्लाह के जिमे चीज लाजिम हो गई है कि अल्लाह पर लाजिम है जिस तरह के मोहतला एक फिर गुजरा है उनका यह नज़रिया था कि अल्लाह पर लाजिम है तो अल्लाह पर कोई चीज़ लाजिम नहीं है उस उसने अपने जिम्मे करम पर यह चीज़ ले ली है और वो अपने रहम से अपने कर्म से वो ऐसा करता है कि जो बंदा भी ये अमाल इख्तियार कर ले कि वो तोहीद और तोहीद इख्तियार करे शर्क से बचे तो वो उनको अजाब नहीं देगा इस हदीसी मुबारक में हमारे सामने चार चीजें आई हैं ये बंदों पर अल्लाह का हक अल्लाह पर बंदों का हक और फिर उसके बाद तोहेद और शर्क दो चीज़ें तो यकीनन वाज़ह हैं कि बंदों पर अल्लाह का हक जो हदीस के इबारत से हमारे सामने वाजे हो गई और इसी तरह अल्लाह पर बंदों का हक अब इसके बाद तीसरी और चौथी चीज तोहीद और शर्क हम इनको समझने की कोशिश करेंगे कि तोहीद क्या है और शर्क क्या है तोहेद की तारीफ यह है कि अल्लाह ताला को सिफात में यकता मानना कि जैसी ज़ात अल्लाह ताला की है उस तरह किसी और को अपना माबूद ना समझना और फिर जैसी सिफात अल्लाह ताला की हैं उस तरह की सिफात किसी और के लिए ना मानना ये तोहीद कहलाता है कि अल्लाह नबुलजत को वाहिद मानना यकता मानना उसको खालिक मानना उसको माबूद मानना उसको इबादत के लायक मानना ये तोहीद कहलाते हैं फिर इसी तरह के जो सिफात अल्लाह ताला की हैं वही सिफात किसी और के लिए तस्लीम ना करना यह क्या तो कहलाता है तोहिद कहलाता है और शिर क्या है शिर यह है कि अल्लाह ताला के अलावा किसी को वाजिबुल वजूद मानना या फिर किसी को लाइक इबादत मानना कि ये बंदा इबादत के लायक है इसकी इबादत की जा सकती है या किसी को वाजिबुल वजूद मान लेना वाजिबुल वजूद क्या है वाजिबुल वजूद का मतलब ये है कि ऐसी जात जो अपने मौजूद होने में किसी दूसरी की मोहताज ना हो जो अजल से हो और जिसकी इंतहा भी ना हो इब्तिदा भी ना हो वाजिबुल वजूद ऐसी जात को कहा जाता है तो लिहाजा शिरक समझने के लिए हमारे सामने दो चीजें आ गई हैं नंबर एक किसी को अगर कोई वाजिबुल वजूद मानता है तो ये शिर कहलाता है और दूसरी चीज हमारे सामने ये आ गई कि अगर कोई किसी को लायक इबादत तस्लीम करता है कि उसकी इबादत की जा सकती है तो ये शिरक है अब बात आ गई सिफात की तरफ कि सिफात में शिरक कहाँ होगा या शिरक कहाँ नहीं होगा याद रखिए हम भी सुनते हैं अल्लाह भी सुनता है इन अल्लाह समय बसीर बहुत सारी सिफात ऐसी हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए भी इस्तेमाल हुई और आम मखलूक के लिए भी इस्तेमाल हुई और फिर बहुत सारी ऐसी हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और उसके खास बंदों या अंबिया के लिए इस्तेमाल हुई हैं अब जब सिफात एक जैसी हैं तो वहां पर शिरक कब होगा अगर तो हम इंसान को भी उसी तरह मान लें कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनता है उस तरह इंसान भी सुन सकता है तो ये शिरक है और अगर हम ये कहें कि इंसान सुनने में अल्लाह इज़्ज़त का मोहताज है और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है तो ये शिरक नहीं कहलाएगा इसी तरह अम्बिया कराम के वाले से हमारे जितने भी अकायदे हम जब भी किसी नबी के इल्म की बात करेंगे उनके इख्तियार की बात करेंगे गर्ज यह कि उनकी किसी भी सिफत और कमाल की बात करेंगे तो उसमें बेसिक यही चीज होगी कि ये अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा हैं ये अताई हैं ये उनकी जती नहीं है अगर कोई बंदा किसी भी नबी किसी भी वली के लिए किसी सिफत को जारी तस्लीम कर लेगा तो उस वक्त शिरक हो जाएगा तो ये तोहद और शिरक के हवाले से एक बुनियादी तस्वर था जो हमारे सामने वाज होता है अब कुछ चीजें तोहद के वाले से याद रखिए यह यदि मुबारक हमारे सामने वाजा कर रही है तोहद जो है इसको समझने की जरूरत है क्योंकि जो इंसान की जिंदगी है इस पर तोहद के बहुत ज्यादा असर होते हैं जब बंदा तोहद पर ईमान लाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एक मानता है तो इससे उसकी इज्जत नफ्स बहाल होती है उसकी खुदी की हिफाजत होती है फिर इसी तरह उस बंदे में एतमाद पैदा होता है जो बंदा तो होता है वो कभी किसी के सामने अपने सर को झुकाता नहीं है वो इस बात को तस्लीम करता है कि जो कुछ रब चाहेगा वही कुछ होगा लिहाजा तोहिद के इंसान की इनफरादी जिंदगी पर इजिमाही जिंदगी पर मुआशी और माशती जिंदगी पर बहुत ज्यादा असरत हैं जो बंदा जिस कदर तोहेद से जुड़ता चला जाएगा उसकी जिंदगी में उसी कदर निखार होगा और जो शिरक से से जितना दूर होगा उसकी जिंदगी में उतना ही फसाद आता चला जाएगा। जो है ये इस्लाम का एक बुनियादी अकीदा है और हमारी निजात का मदार पर है। करीम मन जिस बंदे ने यह कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वो जन्नत में दाखिल होगा इसी तरह एक रसूल हाजिर हुए अर्ज की

और दीगर कई अहादीस हैं जिनमें इस बात को बड़ी सराहत के साथ बयान किया गया है कि जो बंदा तोहीद पर ईमान लाने वाला है अल्लाह इज़्ज़त को एक मानता है उस पर जहनम की आग हराम है और उसको जन्नत में दाखिल जरूर किया जाएगा फिर उसके बाद आ गया शिरक शिरक के हवाले से याद रखिए इन न शिरकम अजीम शिरक झुलम अजीम है

अब यहाँ पर एक सवाल जहन में उभरता है आखिर शिरक माफ क्यों नहीं होता इंसान ने दूसरे भी तो गुनाह किए हैं शिरक भी एक गुनाह है तो शिरक माफ क्यों नहीं होता याद रखिए एक होती है गलती और एक होती है बगावत गलती माफ़ की जा सकती है लेकिन बगावत किसी सूरत में माफ़ नहीं की जा सकती जब कोई बंदा गुनाह करता है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपना खालिक मान रहा है लेकिन उसका हुक्म तोड़ देता है तो ये गलती कहलाती है गलती मुआफे लेकिन जब कोई अल्लाह के मुकाबले में किसी को अपना खालिक या मबूद मान लेता है तो वो गलती नहीं कर रहा वो बगावत कर रहा है तो बगावत किसी भी मुआशरे में मुआफ़ नहीं होती है और तोहित समझने के लिए अगर सूफिया की तरफ देखा जाए तो वो बहुत एक आसान मिसाल से बताते हैं कहते हैं कि देखिए है, मोहब्बत एक ऐसा ऐसा अमल है जिससे आप तो को समझ सकते हैं बहुत सारे उलिया कराम के वाले से ये वाक्य मौजूद है इसलिए मैं किसी एक बुजुर्ग का नाम नहीं ले रहा कहते हैं कि उनके पास एक औरत हाजिर हुई और वो कहने लगी कि मेरा खामंत जो है वो दूसरा निकाह करना चाहता है तो आपने जवाब दिया कि उसको शरीय ने इजाजत दी है चार तक वो निकाह कर सकता है लेकिन उस औरत ने कहा कि अगर आप भी मेरा हुसन देख लें तो आप भी इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि मेरे खामं के लिए दूसरा निकाह करना जायज नहीं है शिरकत बर्दाश्त नहीं कर सकती वो तो उसने कहा वो दूसरा निका नहीं कर सकेगा जब बुजुर्गों ने ये बात सुनी तो वो कैफियत हाल और में चले गए जब दोबारा होश में आए तो आपने कहा देखिए ये ये एक औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जो इसका महबूब हो वो किसी और का भी महबूब बन जाए तो जिस मालिक ने इसको हुसन अता किया है जिसने सब कुछ बनाया है वो रब कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसका एक बंदा उसी की नेमतें सारी इस्तेमाल करते हुए वो उसके साथ किसी और को अपना खालिक और मबूद तस्लीम कर ले लिहाजा वो कभी भी उसको नहीं तस्लीम कर सकता तो अगर हमने तोहद और शिरक को समझना हो तो इस तरह एक मोहब्बत से हम समझ सकते हैं कि शिरक कैसा बड़ा गुना है और ये क्यों माफ नहीं होता है तो इस अदीस मुबारक से हमारे सामने बहुत ज्यादा फवायद हैं जिनमें से कुछ हमने आपके सामने रखे हैं देखिए कि तोहद जो है ये इस्लाम का एक बुनियादी अकीदा है इस अदीज से हमने यह जाना कि तोहद इस्लाम का बुनियादी अकीदा है और तोहीद का मतलब जिस तरह पहले वजात हो चुकी है कि अल्लाह ताला को उसकी ज़ात और सिफात में यकता जानना और मानना है और फिर अगली बात कि तो पर ही निजात जो है वह मौकूफ है अगर तोहेद में फर्क है तो उस बंदे की कभी भी निजात नहीं हो सकती और फिर उसके बाद शिर का माना हमारे सामने आया कि अल्लाह तलावा किसी को वाजिबुल वजूद या किसी को लाई के इबादत समझना ये शिरक कहलाता है और फिर ये कि शिरक ऐसा गुनाह है जिसकी मुआफी नहीं है और इस हदीस से हमारे सामने ये बात भी वाज हुई कि बंदे पर लाजिम है वो अल्लाह को एक माने उसकी इबादत करे और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराए और फिर इस हदीस से जहाँ और चीज़ें हमारे सामने वाजें हुई वहां पर यह देखिए कि आकाम का अंदाज तबलीग आपकी फसाहत वलागत का इजहार

और फिर इस्तफामिया अंदाज में उनकी तवज्जो लेते हुए आका सलाम ने तालीम और तबलीग का यह सिलसिला जारी रखा है आज हमें भी हज़ुर सरवर कायनात अल्तम के इसी अंदाज को इख्तियार करने की जरूरत है कि हम इस अंदाज से लोगों के सामने दीन को पेश करें ना ये कि उनको एक मजलिस में इकट्ठे करके बुला कर और उनके सामने दीन की सारी वो चीजें पेश कर दी जाए कि वो डरना शुरू हो जाए और वो दीन से दूर होना शुरू हो जाए नहीं बल्कि एक इस्तेफामी अंदाज में मोहब्बत बड़े अंदाज में उनको बुलाकर हिकमत के साथ उनके सामने दीन को पेश किया जाए फिर इस अदीज से हमें यह भी एक फायदा मिला के सहाबी का मोहब्बत बड़ा अंदाजबाना जवाब अल्लाह व रसूल आलम देखिए बात तो हित की है लेकिन यहाँ पर भी एक सहबी जवाब क्या दे रहे हैं अल्लाह व रसूलू अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं तो अल्लाह और उसके रसूल दोनों को मिला देना ये शिरक नहीं कहलाता बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर अल्लाह तती अल्लाह वात रसूल मई होती रसूल रसूल अल्लाह अपने महबूब का जिक्र भी अपने साथ किया है तो लिहाजा हमें उन मकाम को भी जानने की जरूरत है और फिर यहाँ से हमारे सामने ये भी बात आई कि जब किसी बड़े को हमने जवाब देना है तो वो मोहब्बत बड़े अंदाज़ में और अदब के साथ उसको जवाब देना है फिर ये भी हमारे सामने आया कि अल्लाह ताला के नाम के साथ उसके रसूल का जिक्र करना यह सहाबिक नाम की सुन्नत और उनका तरीका है इस हदीस से हमने यह भी जाना कि शेख की मजलिस में आजजी के मुमकिन है उनको यह बात मालूम हुई हो और वो अंदाज़ा भी लगा सकते थे लेकिन नहीं उन्होंने खामोशी इख्तियार की लिहाजा जब भी हम किसी आलम दीन की मजलिस में हो किसी भी आलम रबानी की मजलस में हो तो वहां पर अगरचे कोई चीज़ हमें मालूम भी हो फिर भी खामोशी इख्तियार करें शायद शेख किसी और अलग जाविये से आपके सामने वो चीज रखे कि जो आपकी निगाहों से अभी तक पहुंचल हो फिर यह दिस हमें इतिहाद बीनमसलम का दर्श देते हैं। अक्सर हमारे माशरे में छोटी छोटी चीजों से तफरीक की जाती है। वो चीजें जो अकायद नहीं अमाल में भी शामिल नहीं शायद मामूलात में हों या मुस्तहत में हो या मुबा चीजें हों उन चीजों से तफरी करके जन्नती और जहनमी के टिकर तकसीम किए जाते हैं तो इस हदीस से हमारे सामने क्या है कि अल्लाह को एक मानना और उसके साथ शरीक न ठहराना ये हक है लिहाजा ये हदीस हमें इतिहाद बैनमसलम का भी दर्श दे रही है कि जो बंदा भी अल्लाह रबु लजत की तोहहीद का कायल है उसको मुसलमान ही तसवर किया जाए और फिर मुआरे में पाए जाने वाले अफरात तफरीत का हात्मा वो भी सही अदीस की रोशनी में किया जा सकता है इस हदीस से ये भी हमारे सामने आया कि छोटे छोटे अख्तिलाफ़ हैं अगर हम इनको खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें हदीस की तरफ रजू करना होगा जब हम हदीस की तरफ आएंगे तो हदीस हमारे सामने ये बात वाजहे करेगी कि असल हमत बुनियाद क्या चीज है यहाँ तक आज की हमारी जो एक हदीस थी ये थी तोहहीद के हवाले से कि बंदों पर अल्लाह का क्या हक है और अल्लाह पर बंदों का क्या हक हाँ है इसके बाद जो दूसरी हदीस हमारी है आज वो है खत्म नबूवत के हवाले से और ये भी इस्लाम का एक बुनियादी नजरिया और अकीदा है और याद रखिए दो चीज़ें होती हैं एक होता है नजरिया एक है तजकिया ये दो लफ्ज नजरिया और तजकिया हमारे सामने इस्लाम में दो चीज़ें हैं एक है अकायद और दूसरे आमाल अकायद की दुरुस्ती दुरुस्तगी ये नजरिया कहलाती है, और आमाल की दुरुस्तगी जो है ये कहलाती है। तो लिहाजा जब भी हम ये कहते हैं कि इस्लाही बात होनी चाहिए तो इस्लाही बात में अकायद भी शामिल हैं और आमाल भी शामिल ऐसा नहीं है कि जब इस्लाही कहा जाए तो सिर्फ कबर और अशर की बात होगी नहीं जब हम अकीदे की बात कर रहे हो तो उसके लिए भी इस्लाही बात का और इसलाही मौ का टाइटल दिया जा सकता है तो लिहाजा हम चूंकि आज का हमारा जो है अकीद तोहीद और खत्म नबोत इन दोनों का ताल्लुक अकायद के साथ है लिहाजा ये दो अहद हमारे नजरिया को दुरुस्त करने के लिए हैं कि हम अपने नजरिए की असलाह किस इस तरह कर सकते हैं यह रिवायत सुनम तिरमजी से ली गई है इमाम तिरमजी ने अपनी सनत के साथ इसको रिवायत किया है और सनत सही है أخرج الإمام الترمذي بسنده قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي كلابة عن أبي اسماء الرحبي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبد الأوثان इस हदीस में आका करीम अलैहिस्सलाम ने दो फितनों का जिक्र किया है सबसे पहले फरमाया ला तकुमुस्सा कयामत कायम नहीं होगी तक तक कि कि मेरी उम्मत के कुछ से जाकर मिलेंगे, और यहां तक वो भी बुतों की पूजा करेंगे वह इन से फी उम्मती और यह कि मेरी उम्मत में तीस ऐसे झूठे आएंगे कुल यज अमी उनमें से हर एक ये गुमान करेगा और ये ऐलान करेगा कि वो नबी है वह लानबी और मैं आखिरी नबी हूं मेरे बाद कोई नबी नहीं है इसका तर्जुमा आपके सामने मैंने कर दिया है और ये स्क्रीन में पे आ, शो हो रहा है इसमें देखिए दो चीजें हमारे सामने इस्लाम ने दो फितनों का जिक्र किया पहला फितना जो है वो फरमाया मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे ऐसे कबीले होंगे जो मशरकिन से जाकर मिलेंगे और वो भी बुतों की पूजा और इबादत करेंगे और दूसरे आपने फरमाया कुछ झूठे लोग होंगे जो नबुवत का दावा करेंगे अब हम इसमें से पहले को समझने की कोशिश करेंगे कि जो पहला है हमारे सामने कि वो मशरिकीन से जा मिलेंगे अब इस्लाम एक कामिल दीन है और आका करीम सलातम ने हमें जो हुक्म दिया वो हमें मुशरकिन से और कुफार से ला तल्लुक होने का हुक्म दिए और उनके साथ मुशाबियत इख्तियार करने से हमें मना फरमाया फरमायादी अल्लाह तरमा रहे ईमान वालो मेरे और अपने दुश्मनों को अपना दोस्त ना बनाओ दूसरी फरमाया भी जो किसी कौम के साथ मुशाबियत करेगा उसका हशर भी उसी कौम के साथ होगा। अगर कोई निसारा के साथ मुशाबियत करता है, चाहे वो मुशाबियत अकायद में हो अमाल में हो उसके मामला में हो इबाद में हो किसी मामले में भी हो तो उनका हशर उन्हीं के, के दीनी मामला में भी देखिए जब मक्का से मदीना हजरत फरमाई तो वहां मदीना वालों को देखा कि वो दस मुहर्रम को रोजा रख रहे हैं पूछा क्यों तो बताया कि हजरत मूसा सलाम को इस दिन फिर निजात मिली थी तो आका ने भी उस दिन रोजा रखा साहबा के नाम रिदवान ने अर्ज की आका ये तो हमारी यहूदियों के साथ मुशाबत हो गई आपने फरमाया अगले साल अगर हम जिंदा रहे तो हम दो रोजे रखेंगे वो एक रखते हैं हम दो रोजे रखकर कर उनकी मुखालफत करेंगे इसी तरह पस्त करने के वाले, के वाले से और दाढ़ी के वाले से अगर देखा जाए दे, जब अजान के वाले से मशवरा किया गया कि अजान के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए सहाब ने मुख्तलिफ मशवरे दिए तो आपने फरमाया नहीं ये फलां कौन का तरीका ये फलां कौन का ये फलां का है उन सबको आपने रिजेक्ट कर दिया बिल आखिर आजान की सूरत में आपको अता किए तो ने हर में हमारी रहा करने से हमें मना फरमाया बड़ी सख्ती के साथ मना फरमाया लेकिन आज के इस दौर में और जिस तरह यह हदीस भी है और फितनों की तरफ इशारा भी है कि ऐसे लोग होंगे जो मुशरकें से जाकर मिलेंगे और वो भी उनके साथ बुतों की पूजा करेंगे आज यकीन हमारा रुख भी इसी तरफ हो चुका है बासीयत कौम हम दूसरे अकवाम की नकाली करना अपने लिए इज्जत समझ रहे हैं फखर समझ रहे हैं जबकि इज्जत नहीं बाशे आ रहे और हम अपनी तबाही के दहाने की तरफ जा रहे जैसे जैसे हम दूसरे अकवाम के साथ मुशाबियत अख्तियार कर रहे हैं हमारा अपना तशखस मिटता चला जा रहा है लिहाजा हमें अपने तशखस को कायम रखना है और 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 इस्लामी सिकाफत का दिफा करना है और उसको अगली नस्ल तक हमने करना है। दूसरी चीज़ों कि मेरी उम्मत में तीस ऐसे झूठे लोग आएंगे जो नबुवत का दावा करेंगे इस हदीस में देखिए आका सलाम ने एक पेशन गोई फरमाई आपने उनका अदब भी बता दिया कि वो तीस होंगे और फिर यह फरमाया कि वो नबूवत के दावे करेंगे लेकिन वो सारे झूठे होंगे मैं आखिरी नबी हूँ मेरे बाद कोई नबी नहीं है अकीद नबूवत, ये भी इस्लाम का एक बुनियादी अकीदा है और इसके वाले से कुराने मजीद की एक वाज आयत आपके सामने पेश कर रहा हूँ वरना इसके अलावा तकरीबन सौ से जायद आयात ऐसी हैं कि जिनसे अकीद खतम नबूत को साबित किया जा सकता है ये शाद बारी तला माकाना मोहम्मद नबी जी कि मोहम्मद तुम तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं है वो अल्लाह के रसूल और नबियों में से आखिरी है और इसी तरह ये आपके सामने एक हदीस पेश की है जबकि दो सौ से जायद मुतवा और जमी उम्मत का इस पर इजमा है लिहाजा खत्म नबूत भी ये एक कति अकीदा है सैदुना सिदी के अकबर रजी अल्लाह त से लेकर इस वक्त तक कभी भी किसी दौर में किसी भी उम्मती ने इस अकीदे पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है लिहाजा खत्म नबूवत जो है ये भी एक बुनियादी अकीदा है इसको भी जानने की जरूरत है और दूसरे मानों में अगर देखा जाए तो इस्लाम की जितनी भी इमारत है वो खत्म नबूवत पर है। अगर अकीदे खत्म नबुवत में दरारे आ जाए तो फिर हमारे पास ना कुरान बचता है ना सुन्नत बचती है ना ही कोई और चीज बचती है फिर एक नए नबी की जरूरत जब हो जाए तो पुराने नबी की शरीयत मनसूख हो जाती है फिर तो हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं रहता लिहाजा खत्म नबूवत जो है यह भी एक बुनियादी अकीदा है और जिस तरह तोहिद के वाले से शिरक के वाले से मैंने बात की थी कि शिरक बगावत है इसी तरह खत्म नब आका के बाद किसी और का एलान नब्वत करना यह भी बगावत है ये भी बगावत में आता है और बगावत किसी सूरत में भी मुआफ नहीं की जाएगी इस में भी खातमन नबीजीन का लफ्ज आया है तो उसकी थोड़ी सी वजात करना जरूरी समझता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे होता है कि लफ्ज खातम के मुख्तफ किराएते पेश करके कहा जाता है कि नहीं ख़ातम का ये माना नहीं बल्कि ये माना है तो याद रखिए लफ्ज़ ख़ातम की दो किरातें हैं एक खातिम बिकसरता के नीचे जेर के साथ इसमें फाइल इसका मतलब होगा ख़त्म करने वाला और दूसरा है खातम ताके जबर के साथ। उस इसमें आला होगा और इसका जो माना होगा वो मोहर होगा तो दोनों माने मुराद जा सकते हैं। अगर हम पहली बात करें तो देखिए खातिम खत्म करने वाले हजूर सलाम आखिरी नबी हैं लिहाजा आपने नबूवत के सिलसिले को खत्म कर दिया और अगर दूसरे माने को ले लें कि मोहर तो उस वक़्त भी फिर क्या होगा होता है इज लमा आते ही तो किताब कि अल्लाह तरवाम्बिया से मिसाक लिया था तो उस वक़्त उन्हीं लोगों को नबुवत मिली थी कि जिन्होंने आकाम की तस्दीक फरमाई और फिर कयामत के दिन अल्लाह रबत के प्यारे महबूब आलासलम उन सारे अम्बिया की नबुवत की तस्दीक फरमाएंगे कि ए मालिक तेरे इन नबियों ने तेरा पैगाम तेरी मखलूक तक पहुँचा दिया था और फिर कुरान मजीद की और बहुत सारी आयात से ये भी देखिए कि माँ उनही का व मा कि वो जो ईमान वाले हैं इस कुरान पर भी ईमान लाते हैं और जो इससे पहले नाजल हुई उस पर भी ईमान लाते हैं अगर इसके बाद कोई नाजल होना होती तो फिर कहा जाता कि वो इसके बाद जो नाजल होगी उस पर भी ईमान लाएंगे लेकिन नाजल होने वाली कोई नहीं थी तो लहजा फरमा दिया कि नहीं बल्कि यही होगा तो जमहूर उलमा के नजदीक जो है लफ्ज खातिम ही है कि आप खत्म करने वाले हैं और फिर इसी अदी मुबारक के जो अगले अल्फाज़ हैं ला नबी या बा वो खुद ही इसके मफहूम को वाजे कर देते अगर मोहर वाला माना ही मुराद ले लें तो ला नबी या बाी के अल्फाज ने ही वाजे कर दिया कि मेरे बात कोई नबी नहीं है और ये अल्फाज आपने सैद्ला फारूक आजम रदी अल्लाह तभी फरमाए थे कि अगर मेरे बात कोई नबी होता तो उमर होता और इसी तरह आपने हजरत मौल और मुर्तजा शेर खुदा करमल करीम को जब आपने एक गजबा से पीछे छोड़ दिया बच्चों और औरतों के पास तो वो परेशान हुए तो आपने फरमाया क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि तुम मेरे लिए उस तरह हो जिस तरह मूसा के लिए हारूँ मगर ये कि मेरे बात कोई नबी नहीं है तो अगर किसी ने नबी होना होता तो वो उमर होते अली होते अबू बकर होते या कोई और होते अगर वो नबी नहीं तो आपके बाद कोई और भी नबी नहीं हो सकता है लिहाजा खतम नबूत ये मुसलमानों का एक एकमाई और कतदा तो यहाँ तक ये दो आपके सामने थी एक तोहिद के हवाले से और दूसरी हदीस जो है वो खत्म नबूवत के हवाले से किसी का कोई सवाल हो तो वहदतुल वजूद ये एक अलग टर्म है जिसे आप ये कह लें कि ये तसव्वुफ में इस्तेमाल होती है लेकिन यह कि इसमें कुछ ऐसी पेचीदगियाँ रख दी गई ये समझिए कि यह खवास की बात है और इसको आमतनास तो के सामने अगर रखा जाए तो वो बहुत ज्यादा जो जा है तरद का शिकार हो जाते हैं जैसे शेख बिन अरबी रहमत लाल उनके वाले से जब बात की गई तो कुछ लोगों ने फिर उन्हीं पर जो है वो फतवे लगाना भी शुरू कर दिए हालांकि वो जिस नजरिए से बात कर रहे थे तो उस नजरिए को समझने की ज़रूरत थी तो अल्लाह रबुल्जत की जात जो है हकीकत में वही एक ज़ात है बाकी ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये उसकी जो है ज़ात का ये समझ लें कि उसका एक फैज़ान समझ लें और उस दिन सूरतें अता की हैं जबकि हकीकत में जो जत है वो सिर्फ अल्लाह रबुल्जत की ही उसके अलावा कोई और वजूद नहीं वही वाजबुल वजूद है वो है तो सारी चीज़ें हैं अगर वो नहीं है तो बाकी कुछ भी नहीं तो इस तरह और भी इसकी बहुत ज्यादा डिटेल है लेकिन यह कि उसकी वजह से मजीद तश्ीक पैदा होती चली जाएगी तो लिहाजा मैं इसको इसी पर जो अस्सलाम असल वरुम बरकातहू अल्हम्दुलिल्लाह आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ और जैसा कि पहले भी मैंने दोबारा आपको याद करा देते हैं कल हम आ, सेशन नहीं डिलीवर कर रहे होंगे और फिर जो ईद वीकेंड है सैटरडे संडे दोनों ही दिन नहीं होंगे और उसके बाद अब अगला जो हमारा यहाँ पर सेशन होगा डज दस दर्क आउटी तो Saturday 22nd. Yeah. So next time, on 22nd of May, inshallah, Saturday. And that weekend again, uh, we won't be here Sunday and then back to normal. There is some discussion about midterm exams, uh, but we are still uh, putting that together. So we will relate that to participants after that weekend. Is that right?

or the idka weekend or just sunday following in so everyone prepare for midterm exams because you have got this time now we're not going to be here tomorrow plus the weekend which is eid weekend and sunday week after and when we return the following week then we'll have midterm exams in between if there's any confusion misunderstanding, and, uh, lack of understanding or something which is not clear तो आप काइंडली ग्रुप में मैसेज भेजें और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको वो आपको भेज दी जाएगी एनीथिंग एंड एवरीथिंग टिल देन हैव ए लवली ईद एंजॉय द फॉर्मेट फॉर एग्जाम्स विल कंड एग्जाम्स ऑनलाइन एंड यू विल नो एग्जाम्स होंगे इम्तिहान होंगे वो ऑनलाइन होंगे और उसका जो फॉर्मेट है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा फिर फिलहाल के लिए परेशान नहीं होना डॉ बोर्ल्फ क्या तैयारी करनी है परेशानी नहीं करनी तैयारी करनी है और ईद और को, को एंजॉय करना है सो अलहदुल्लम श्योर एवरी वन वर्क हार्ड विद फास्टिंग एंड सब ने रोजे रखे हैं मेहनत है, अल्लाह तब को अजर अता करे. After Eid weekend on Saturday, which is 22nd of May, take it. May Allah protect us all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.